कहते हैं मरने से पहले इंसान की पूरी जिंदगी उसे नजर आ जाती है। अंत का मतलब होता है सब खत्म, गेम ओवर। लेकिन इस कहानी में अंत से एक नई शुरुआत होती है। किसी की मौत किसी को एक नई जिंदगी कैसे दे सकती है, ये आपको पता चलेगा। अरे निकम्मे, सो रहा है या जाग रहा है? एग्जाम तेरी होती है और जागना हमें पड़ता है। जब से तू पैदा हुआ है तब से हम जाग ही रहे हैं। अरे बाबू, ए पढ़ रहा है या खर्राटे मार रहा है? पढ़ रहा हूँ पापा। हाँ, स्टूडेंट हो तो तेरे जैसा। सोच रहे हैं कि ये हैंडसम लड़का इतनी गालियां क्यों खा रहा है? सितंबर है ना, मार्च का पाप सितंबर में धो रहा हूँ। बेटा, तेरा पेपर टॉम एंड जेरी लिखने नहीं आने वाले, पढ़ाई कर ले। टॉम एंड जेरी के बुलडॉग की तरह पीछे पड़े हो, रिमोट दो। बेटा, ये जूस पीते पीते कम से कम थोड़ी पढ़ाई कर ले। अरे ये पैर गुड नाइट बोलने से पहले सो गया। ला, मैं जगा देता हूँ बेटा। वैसे भी तुझे पढ़ाई पैर से नहीं करनी, थोड़ा दिमाग लगा ले। बेटा, ये अदरक वाली चाय पी ले बेटा, उसके बाद पढ़ना। मेरा अच्छा बच्चा, पी ले बेटा। टॉम जेरी को पकड़ने वाला था, रिमोट दो। अरे सुन तो, तब जो एटीट्यूड दिखाया था उसकी सजा अब मिल रही है। पूरी रात बैठकर किताबें घिस रहा हूँ। अगर कोई लड़की सुबह 4 बजे तक पढ़ाई कर रही है मतलब मार्च का महीना है, लेकिन अगर कोई लड़का सुबह 4 बजे तक पढ़ाई कर रहा है मतलब पक्का सितंबर है। The relationship between March and September is equal to the... बेटा, पापा के पैर छूकर जाना। Cut to March. रुक बेटा, बप्पा के दर्शन कर ले। हाँ? सुन बेटा, पहले पापा के दर्शन कर ले, उसके बाद घर से जाना। पापा। सुन, पापा के सामने झूठी शान दिखाएगा? मार्च में लात पड़ी तो सितंबर में गिरा, इनसे कोई बच पाया है? जा आशीर्वाद ले। मेरी शान चबाया हुआ पान लगता है तो इनके आगे हाथ नहीं जोड़ूंगा। अगर हाथ जोड़ने से मैं पास या फेल होने वाला हूँ तो मैं खुद पढ़ाई करके पास होऊंगा। हाथ जोड़ के चीजें देने वाले भगवान के सामने मैं हाथ नहीं जोड़ूंगा। 4 साल एक साथ पढ़ने पर भी कई स्टूडेंट्स आपके दोस्त नहीं बनते, पर जब आप सप्लीमेंट्री एग्जाम देने जाते हो तो हर स्टूडेंट आपका लंगोटिया यार होता है। लॉस्ट एंड फाउंड प्रॉपर्टी की तरह सारे अनवांटेड लोग यहीं मिल जाते हैं, पर ऐसे में अगर लड़की दिख जाए तो दिल में घंटी बजने लगती है। जिस किसी का भी कॉपी करके एग्जाम पास करने का ख्याल हो वो यहाँ से अभी चला जाए। अगर कॉपी करने वाले स्टूडेंट्स को पकड़ने का आपका ख्याल है तो आप भी चले जाइए। ये कौन बोला? तो तुम पास होने के लिए कॉपी करोगे? इसमें गलत क्या है? चीटिंग करना गलत नहीं है। आप क्लास में बुक खोलकर पढ़ा सकते हैं, हम छोटी सी चिट खोलकर लिख नहीं सकते। जी, मेरी किस्मत खराब थी जो मैं ऐसे गधों का सुपरविजन करने आ गया। ओ सर जी, इतना भड़कते क्यों हैं? यहाँ बैठे हर स्टूडेंट ने पर पेपर 1500 रुपए की फीस भरी है तब जाके आपको अपने पैसे मिले हैं। घूरना बंद कीजिए, पेपर बांटिए। नहीं दोगे? दे दो ना। तुम फिर से जहाँ वहां में सप्लीमेंट लो। सप्लीमेंट, 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 सप्लीमेंट। तुमने 35 सप्लीमेंट्स लिए, आज पेपर बहुत अच्छा गया क्या? किसको पता, एक पेज पर एक आंसर लिखा है ताकि तरस खा के मुझे इंजीनियर बना ही दे। इंजीनियर तो बनकर रहूंगा। इसे एक बार कॉपी करते हुए पकड़ लो, फिर 3 साल के लिए सस्पेंड करवा दूंगा। ये क्या है? क्या ये चिट? करो कॉपी, करो करो करो। सर ये तो गलत है। आज इलेक्ट्रॉनिक साइंस का पेपर है, कंप्यूटर साइंस की चिट बना के लाया है, यूज़लेस फेलो। सर थैंक यू, आपने शुरुआत में ही बता दिया। पेपर में कुछ बकवास लिखता और फिर से एग्जाम देना पड़ता। सर कंप्यूटर साइंस का एग्जाम कब है?
ड्राइंग एग्जाम में भी तुम फेल हो गए? ये उससे पूछे जिसने पेपर चेक किया था। ऐसा लगता है कि मेरा आर्ट उन्हें समझ में ही नहीं आता। शायद पेपर चेक करवाने वाला अपनी बेटी से शादी करवाना चाहता है मेरी। मॉर्निंग सर, रुकिए ना, साथ में चलते हैं। गुड मॉर्निंग। बार बार एक ही एग्जाम देने में तुम्हें शर्म नहीं आती? बार बार एक ही एग्जाम सुपरवाइज करके आप बोर नहीं होते? इतनी बकबक करने से अच्छा थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान क्यों नहीं देते? इतने सवाल पूछने से अच्छा एक घंटा आँख क्यों नहीं बंद करते? पास हो जाऊंगा। जान गई तो भी तुम्हें कॉपी करने नहीं दूंगा। जाओ। लिखते क्यों नहीं हो? अब तक जितने पेपर दिए उनमें पास हो जाऊंगा। इसके लिए फिर से आपसे मिलना पड़ेगा। फिर से? तो बाकी में पास हो जाओगे? लो और छापना शुरू करो। एक घंटे के लिए मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगा। सर, पक्का ना? हाँ पक्का। इससे मेरी इमेज पर कलंक लगता है तो लगे मेरी नौकरी जाती है तो जाए, पर तुम्हें दोबारा इस कॉलेज में नहीं देखना चाहता। चुप करके पेपर लिखो और यहां से दफा हो जाओ। कॉलेज में क्या मेरी लाइफ में भी अपनी मनहूस शक्ल मत दिखाना। तथास्तु। सर, आपके बेटे ने भेजा है मुझे, कहा है कि आपको म्युनिसिपल ऑफिस लेके जाओ। ये ऑटो वाला दूध वाली चाय पीकर आ गया और मुझे अब तक काली भी नहीं मिली। टिफिन तक पैक नहीं किया तुमने। 20 साल हो गए नौकरी करते करते, पर तुम अभी तक रूटीन नहीं बना पाई। बीवियां ऐसी होती है, चाहे वो ऑटो ड्राइवर की हो या ऑफिसर। तुम्हारा इससे क्या लेना देना? तुम बीच में चोंच क्यों मार रहे हो? हमारी मियां बीवी की बात है, तुम बीच में मत पड़ो। अरे मेरी चाय तैयार हुई? हाँ तैयार है, ला रही हूँ। और टिफिन का क्या हुआ? वो भी तैयार है। तो कल लाओगी क्या? ऑफिस का टाइम हो गया है, जाओ ऑटो में बैठो। तेरी गर्दन में मोच क्यों आ रही है? मतलब ऑफिस में आप तू मीटर डाउन कर, शाम को मिलती हूँ। ओके, शाम को मिलूंगी बेटा। माँ मैं इंजीनियर बन गया। जोक अच्छा था, अपने पापा को सुना। अरे मैं सच में इंजीनियर बन गया माँ। हाँ हाँ बेटा, तू इंजीनियरिंग के एग्जाम में सच में पास हो गया? हाँ, यानी तुम्हारी पढ़ाई खत्म हो गई? हाँ। अब आगे क्या? पढ़ाई खत्म करने के बाद एक ऐसा सवाल आता है जो आपकी खुशियों का विसर्जन कर देता है, आगे क्या? तो सोच ले बेटा, शाम को आराम से बात करेंगे, ठीक है ना? बाय। ऑटो वाले भैया, मेरा बेटा इंजीनियर बन गया है। क्या बात है, सुना तुम इंजीनियर बन गए, अब आगे क्या करना है? समझ गया। बाय बेटा। इंजीनियर बन के गलती तो नहीं कर दी? दिमाग खोलने के लिए सुट्टा मारना पड़ेगा। बाप पे गया है। अरे बैठते बैठते याद आया, तू इंजीनियर बन गया? पहले अपना काम खत्म करो। चलो अच्छा है तू इंजीनियर तो बन गया, पर अब नेक्स्ट क्या? यहाँ पानी का वाल्व है, उसे बंद करने वाला हूँ। पानी बंद मत करना, मैंने न्यूज़पेपर भी नहीं लिया। अरे अभी तो इंजीनियर बना हूँ, आगे क्या करूँ? पानी का फवारा खोल, खाद निकल चुकी है। अब आगे क्या करना है आप ही सोच लो। पीछे की प्रॉब्लम सॉल्व होगी तब आगे की सोचूंगा। इंजीनियर बनते ही नेक्स्ट नेक्स्ट करोगे तो हटेगी ना? बाबू पेपर आ गया। हीरो, ए पेपर की डिलीवरी इधर कर। इंजीनियरिंग का रिजल्ट आया? हाँ इंजीनियर बन गया। तो आगे क्या करेगा? अभी बताता हूँ तुझे। अबे तू रुक रुक, आगे की बताता हूँ। अबे रुक, सुन के तो जा, आगे क्या करने वाला हूँ? सबको आगे की पढ़िए। धक्का ही तो लगा है, खून थोड़ी ना कर दिया मैंने। थप्पड़ी मारा था ना, खून थोड़ी किया है। ओए सॉफ्टवेयर, तेरी लाइफ सेट है,
महीने की 1 लाख सैलरी मिलती है, बीवी आएगी तो वो भी कमाएगी, शादी में तेरा खानदान दहेज अंदर करेगा, बल्ले बल्ले तू करेगा तो मैं क्या बैंड बजाऊंगा? पीने के लिए पैसे नहीं है, घुमाने के लिए कोई लड़की नहीं है। महीने में 1 लाख रुपया पगार मिलना मुश्किल है, लड़की तो मिली जाती है घुमाने के लिए। कहाँ है लड़कियाँ? ऐसी लड़की कहाँ है जो बैंक बैलेंस की इंक्वायरी ना करे? अच्छे दिल वाले लड़कों को कचरे के डिब्बे में फेंक देते हैं। मोटा वॉलेट हो तभी प्यार मिलता है बॉस। ऐसी लड़की देखता हूँ तो चाटा लगाने का मन करता है। अरे ऐसी लड़की कहाँ है जिसका दिल खूबसूरत हो, उसका चाटा गाल पे पड़े तो। उस दिन मैंने कीर्ति को पहली बार देखा। लाइफ के अगले 60 साल इसके साथ क्लोजअप में बिताना चाहता हूँ, पर साथ ही इसे वाइड एंगल में भी देखना चाहता हूँ। शर्ट, आधी रात को गंदे गंदे मैसेज और कॉल करते हो, तुम्हें लगा तुम ऐसी हरकत करोगे और हम कुछ नहीं कहेंगे? तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं क्या? संस्कार नाम की कोई चीज है या नहीं? किस टाइप के लड़के हो तुम? दिन में गुंडागर्दी करते हो और रात में लड़कीबाजी करते हो, बहुत बड़े गुंडे हो क्या तुम? तुम्हें लगता है 4 लड़कों की पिटाई कर तुम हमें भी डरा लोगे? फिर से वाइड एंगल में जाना पड़ेगा। क्या लड़की है, ऐसे ही डरना चाहिए था तुम्हें। आज के बाद अगर तुमने गंदे गंदे मैसेजेस भेजे ना तो दिन दहाड़े रोड पर दोबारा मारूंगी तुम्हें। तुमसे जरूर कोई गलती हुई है। मुझसे गलती हुई है? हाँ मुझसे गलती हुई है, गलती मुझसे नहीं तुमसे हुई है। अब मुंह क्या देख रहे हो, निकलो यहाँ से। कीर्ति चुप कर तू, और तुम घूर क्या रहे हो, निकलो यहाँ से। ये वो नहीं है, वो वहाँ है। ये है वो। क्या मजा आ गया था, आधी रात को गंदे गंदे मैसेजेस और कॉल करता है। सॉरी, इससे चिपकाना था तुम्हें चिपका दिया। तुम जरा साइड हटना। थैंक्स यार, थैंक यू। पर इसे तुम थैंक्स क्यों कह रहे हो? इसी की वजह से, तुमने मेरी लाइफ में एंट्री मारी है, मैं भी एक चिपका दूं? क्या भाई, पहले इसने चिपकाया, तू चिपका रहा है। प्यार का यही तो जादू है, गर्लफ्रेंड जिस पर भड़के उसकी धुलाई करनी पड़ती है। हे, ये प्यार कब हुआ? बताना ही भूल गया, तुमने मारा और मुझे प्यार हो गया। एक चांटा क्या खाया, मुझसे प्यार हो गया? प्यार करने के लिए अच्छी वजह नहीं है, तुम्हें कोई और वजह बतानी होगी। तुम वजह बताओ कि मुझे प्यार क्यों नहीं हो सकता। रात को एक लड़के ने तुम्हें ऐसे वैसे मैसेज कर दिया तो तुम यहाँ आ गई उसे चांटा लगाने के लिए। इससे पता चलता है तुम्हारा कैरेक्टर स्ट्रांग है। कैरेक्टर तो स्ट्रांग है ही, साथ में फिगर भी जबरदस्त है। किसी लड़की पर फुल टू फ्लैट होने के लिए ये वजह कम है क्या? बस प्यार हो गया। गलती तुम्हारी नहीं, गलती इसकी है, इसकी वजह से तुम गले पड़े। अच्छा आओ। तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। मैं अपने आप को नहीं जानता, तुम्हें क्या खाक जानूंगा। देखो मेरी जान, तुमने मुझे चाटा मार के दिल को डिस्टर्ब किया है। मुझे तो प्यार हो गया, तुम कब करोगी? जिंदगी भर नहीं, क्योंकि मेरा दिल डिस्टर्ब नहीं हुआ है। मैं डिस्टर्ब कर दूंगा, सबने पूछ के परेशान किया है कि आगे क्या, आगे क्या, आगे तुम हो। डिस्टर्ब करूंगा जब तक प्यार नहीं होता, बस इंतजार करो, तुम मेरी बनोगी। क्या रे, कल तूने सड़क पे एक लड़की को सीधे आई लव यू बोल डाला, इतनी सुंदर है क्या वो? हा? कभी कभी किसी लड़की को देखकर लगता है हा? कि ये जिसे मिलेगी उसकी बॉडी पे जरूर लकी बर्थमार्क होगा। तो मैंने घर जाके चेक किया हा? और तू जानता है हा? मेरी बॉडी पर मार्क है। सॉलिड यार, हमने कभी भी लड़की से लफड़ा, पुलिस का चक्कर, गुंडों से टक्कर नहीं किए यार। अब हम बाबू के जरिए ये सब करेंगे। बाबू की लव स्टोरी के पर्चे हम मंगल ग्रह तक छापेंगे। भाई भाई भाई, निमियाना बनकर और प्लान बता। किसी भी लड़की को पटाते वक्त हमेशा 4 प्रॉब्लम्स होते हैं। नंबर 1, वो लड़की किसी और को चाहती है या कोई और उसे चाहता है। 1 मिनट में आए। भाभी तो किसी को दाने नहीं डाल रही, लेकिन कबूतर बहुत मंडरा रहे हैं। नंबर 2, जब मैं उससे प्यार करूं तो क्या कोई मेरी धुलाई करेगा या मुझे किसी की धुलाई करनी है? तुम अपने हाथ गंदे क्यों करोगे, तुम्हारे 3 पंटर है ना। तो बच्चों, कबूतरों को उड़ा दो। ए मेरे फूल, अरे मेरी बाइक। नंबर 3, उसका बाप कौन है और वो क्या करता है, और वो टांग तो नहीं अड़ाएगा ना। बचपन से ही मेरे पापा ने मुझे पूरी फ्रीडम दी, पैसे मांगने पर ATM कार्ड दे देते थे। फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने का प्लान बनता तो वो खुद टिकट्स खरीद कर देते थे।
ये रही मूवी टिकट्स तुम सबके लिए। थैंक्स पापा। मजे करो। जब कोई पिता बेटी को इतनी फ्रीडम दे तो उसका फर्ज बनता है वो अपने पापा का भरोसा कभी ना तोड़े। इसीलिए मैंने पापा से वादा किया है कि मैं उन्हीं के पसंद के लड़के से शादी करूंगी। मेरे लिए मेरे पापा उस डायरी की तरह हैं जो मैं हर रात लिखती हूँ। कहने का मतलब ये है कि मेरे पापा मुझे उतनी अच्छी तरह जानते हैं जितना मैं खुद को नहीं जानती। मॉर्निंग कीर्ति। पदु, मेरे पापा। हाय। कीर्ति ने मुझे आपके बारे में बताया। आपके बारे में सुनकर लगा कि आज से मैं भी आपको पापा ही कहकर बुलाऊं। नहीं बेटा, मेरी पत्नी ही मुझे पति कह सकती है और सिर्फ मेरी बेटी ही मुझे पापा कह के बुला सकती है, इसीलिए दूसरे बच्चे के बारे में सोचा ही नहीं। एक शादी करने के बाद दूसरी को झेलने की हिम्मत नहीं हुई। ऐसी बदतमीजी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। सीरी, मैं तो सीरियल वाले को बोल रही हूँ। ओके अंकल, आई विल मेक अ मूव। ओके बाय अंकल। बाय पदु। बाय बाय। वो गंदे मैसेज करने वाला लड़का तुमसे मिलने चेक शर्ट पहन के आने वाला था ना, मिला तुम्हें? हाँ मिला ना पापा, उसको मैंने दिन में तारे दिखा दिए, लेफ्ट राइट होश उड़ा दिए उसके। That's my baby. वो दिन में तारे दिखाने वाला एक दिन तुम्हें दिन में तारे दिखाएगा, फिर पीटना अपना सिर। क्या कहा? मैं सीरियल वाले को बोल रही हूँ। पापा, कंफ्यूजन में मैंने किसी और लड़के को थप्पड़ मार दिया और वो बोला जब तक मैं उससे प्यार नहीं करती वो मुझे डिस्टर्ब करेगा। प्यार करने के लिए कोई किसी को मजबूर थोड़ी कर सकता है। हर बाप को यही लगता है, लेकिन एक दिन माधव की बेटी सरिता उस ड्राइवर के साथ भाग गई। इन लड़कों को लाइटली मत लेना वरना हमारी बेटियां हमारा मुंह काला करके भाग जाएंगी। ऐसी बातें दूसरों के साथ डिस्कस की जाती है क्या? ये तो कहानी घर घर की स्टोरी है। तुम सीरियल को बीच में इसलिए ला रही हो क्योंकि मुझसे सीधा बात करने की हिम्मत नहीं है। दम है तो डायरेक्ट बात करो ना। देखा, लड़की का बाप ज्यादा ही बोलता है। इसका कुछ नहीं हो सकता। कुछ कहा जी आपने? टीवी को इडियट बॉक्स क्यों बोलते हैं? तुम जैसे इडियट्स को देख के समझ में आता है? तुम सीरियल देखो अपना। हाँ। देखती रहो। ओके पापा, मुझे अब कॉलेज के लिए रेडी होना है, बाद में मिलते हैं। हाँ? ओके बेटा। बाप तो आम आदमी है, एकदम सीधा आदमी है। प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम फोर क्या है? प्रॉब्लम फोर, वो लड़की करती क्या है और उसे पटाने के लिए कहाँ फील्डिंग करनी होगी। भाभी एमबीए कर रही है, उनके पास एक छोटी सी स्कूटी है जो छोटी सी जगह में पार्क करती है। अब तू मुंह उठा के कहां जा रहा है? उसकी स्कूटी की जगह अपनी बाइक पार्क करने। मैं भी एमबीए करूंगा। तुम सब इंजीनियरिंग पास हुए ना? हुए ना? ना तो आवारा गर्दी करके टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? हाँ? आगे क्या करोगे? माँ। बोल बेटा। पापा मुझसे एमबीए क्यों करवाना चाहते हैं? जिद पर अड़े हैं, कहते हैं फैसला हो गया तो हो गया। तो क्या है ना बेटा? ठीक है शाम को घर आओ फिर बात करेंगे। ठीक है। पापा, माँ मुझसे एमबीए क्यों करवाना चाहती है? जिद पे अड़ी है। एमबीए? कहा फैसला हो गया तो हो गया, और तो और बोली पापा को मना लूंगी। मैंने कहा शाम को घर आओ फिर बात करेंगे, आज रात सब तय कर लेंगे। ये क्या खा रहे हैं आप? बच्चा भूख से मर रहा है, खुद ठूस रहे हैं। आप दोनों को लगता है कि मेरे लिए एमबीए करना जरूरी है? हम दोनों तो तेरा भला चाहते हैं। तेरी माँ कह रही है तो कर ले बेटा। लगता है आपने पहले से ही फैसला किया है, अब मैं भी क्या कर सकता हूं। मां, पापा, आपके लिए मैं आगे पढ़ाई करूंगा, मैं एमबीए बनूंगा, उस लड़की को फॉलो। लड़की? मतलब माँ की सलाह को फॉलो करूंगा। तुम्हें क्या लगा लड़की की बात कर रहा है? तुम शक कर रही थी ना उस पर, वैसे ही जैसे मुझ पर करती हो। तेरी माँ शकील शाने से कम नहीं है। मैं लोचा मारता हूँ तो पापा पोचा मार देते हैं। मॉर्निंग एवरीबॉडी। एक्सक्यूज मी सर। यस। मे आई कम इन? कम इन। कम इन। कम इन। हाँ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एमबीए कर रहा हूँ, डिस्टर्ब नहीं करूंगा, बैठो ना। ओ कहीं तुम्हें ये डर तो नहीं कि अगर पास बैठ गई तो दिल डिस्टर्ब हो जाएगा? एक्सप्रेस्ड एज अ कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ऑफ इक्विटी।
नाम क्या है? चुप कर। इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि अगर नाम लेता रहा तो तुम्हारा दिल डिस्टर्ब हो जाएगा। मेरा नाम कीर्ति है। अब मैं तुमसे हाथ मिला रही हूँ और मैं डिस्टर्ब नहीं हो रही, समझे तुम? लेकिन मैं डिस्टर्ब हो गया। हाँ वैसे तुम्हें बताना भूल गया, मेरा नाम बाबू है। ओ हीरो, क्लास में चुप रहोगे प्लीज? ओके, इसे मेरा नाम कैसे पता? शायद मेरा फैन होगा। हेलो, सुनाई नहीं दे रहा? मैंने चुप रहने को कहा है और मैंने भी ओके बोल दिया है। सर कब से चुप रहने के लिए कह रहे हैं, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? प्रोफेसर तो हमेशा कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, हम थोड़ी सुनते हैं। वैसे मेरी ऐसी बातों से तुम्हें डिस्टर्ब हो रहा है? बिल्कुल नहीं। हेलो, पूरी क्लास तुम्हारी बातों से डिस्टर्ब हो रही है। सुना, पूरी क्लास डिस्टर्ब हो रही है, हर हैरा गहरा नत्थू खेरा डिस्टर्ब हो रहा है, बस तुम नहीं हो रही हो। क्यों क्यों नहीं हो रही हो? मैं तुमसे सवाल कर रहा हूँ और तुम मुझसे जवाब दे रहे हो। मैं इससे सवाल कर रहा हूँ, आप जवाब क्यों दे रहे हैं? एक बात बताओ, वैसे तुमने कॉलेज ज्वाइन क्यों किया? ताकि मैं अपना काम करूं। आप अपना काम कीजिए, मेरे काम में टांग क्यों उड़ा रहे हैं? तुम्हें लगता है लेक्चरर को बातें सुनाना आजकल फैशन है? तो आपको लगता है असाइनमेंट्स में हमारे मार्क्स कम करना फैशन है? अटेंडेंस के नाम पर हमें एग्जाम देने से रोकना फैशन है? हम मस्ती स्टार्ट करते हैं, आप दी एंड करते हैं। क्लास में आए हैं तो सिखाइए, बोल बच्चन मत दीजिए। कई स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स लाकर प्रोफेसर का सीना चौड़ा करते हैं, लेकिन कितने प्रोफेसर कमजोर स्टूडेंट्स को टॉप पर लाते हैं? आजकल अच्छे स्टूडेंट्स नहीं है क्योंकि अच्छे टीचर्स नहीं है। टीचर और स्टूडेंट्स रनर और बैट्समैन की तरह होते हैं, रन तभी बनता है जब दोनों भागे वरना एक आउट हो जाता है। ताली नहीं बजाओगे क्या? चल तू शुरू कर। तुम कहाँ जा रहे हो? अगला टायर जा रहा है, पिछला टायर के वहीं रहेगा। मैं कुछ नहीं समझा। आप पढ़ाते हैं तो समझ में आता है, फिर भी हम सुनते हैं ना, ये वही है। ये सीटी किसने बजाई? ओए सुना तो, बुटकी, ए बुटकी सुन। बुटकी बोलता है मुझे? बुटकी बोलता है? हाँ, तेरी इतनी हिम्मत तेरी? हाँ हाइट में मुझसे कम है तो तुझे बुटकी बोलूंगा ना, नंबर तो देती जा। ए ब्राउन जैक्स, तेरी फ्रेंड का नंबर क्या है? नहीं बताऊंगी। नहीं बताएगी? तेरा नंबर बाजू वाली से ले लूंगा। ए फोन रख। अब समझ गई ना मैं क्या कर सकता हूँ। 8790292969। ओके। ए तुम में से कोई ये नंबर मत लिखना, वो मेरी वाली है। पापा, उस चेक शर्ट वाले ने मुझे डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया है। देखा, मैंने तो पहले ही कहा था, लेकिन मेरी सुनता कौन है? तुमने पहले ऐसा कब बोला था? मैं तो सीरियल वाले से कह रही हूँ। ये नहीं सुधरेगी। पापा, उसी का फोन है। लो, मैं बात करता हूँ, तुम जाओ जाओ। मेरी जान क्या कर रही है? वो अभी सो रही है। जान सो रही है तो उसके फोन पर कौन बात कर रहा है? तुम ही बताओ। कीर्ति को फोन दो, मैं बाबू बोल रहा हूँ। अच्छा, और मैं कीर्ति का बाप बोल रहा हूँ। सर, जरा अपनी बेटी को फोन देना, पूछना है वो डिस्टर्ब हुई या नहीं। क्या बकवास लगा रखी है, शर्म आनी चाहिए। इडियट रास्कल, तुम्हारी इतनी हिम्मत? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें यही संस्कार दिए? पापा, आपका फोन है। कौन है भाई? हेलो। धिक्कार है तुम्हारी परवरिश पर, तुमने अपने बेटे को संस्कार भी नहीं सिखाए। खुद को बाप कहते हो? हेलो, बेशर्म कहीं के, ऊपर से हेलो बोलते, फोन रखो। सॉरी सर। तू हाइट में मुझसे कम है तो तुझे बुटकी बोलूंगा ना। कीर्ति, कीर्ति, एक्चुअली तुझे एक बात बतानी थी, मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, तो मेरी हेल्प करेगी क्या? नहीं नहीं, मेरे पापा को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे मत बता तू। The financial needs of business Excuse can be classified, sir? Yes, into two categories, fixed capital requirement and working capital requirement. Now capital requirement is the amount of capital of bank or the financial institution have to hold as required by its financial regulations. Thank God, उस जोकर के बिना ये क्लास कितनी शांत और बढ़िया लगती है ना? वो यहाँ होता तो पक्का कुछ ऐसा करता कि मैं डिस्टर्ब हो जाती। Hi Kirti. मैं ये बात स्पीकर पर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे सामने अपने प्यार का इजहार करने की हिम्मत नहीं है मुझमें। कहते हैं जब लड़का लड़की से प्यार करता है तो दुनिया से लड़ सकता है, पर पता नहीं क्यों मैं तुम्हें आई लव यू कहने से डर रहा हूँ। अब तक न जाने कितनी लड़कियों से मिला हूँ, क्लासमेट्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, स्ट्रेंजर्स, पर किसी के साथ जिंदगी गुजारने का मन नहीं किया। लेकिन तुम अलग हो कीर्ति। अब तो तुमसे एक पल भी दूर रहकर मैं जी नहीं सकता। I love you, Kirti. 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 I love you, Kir
I love you, Kirti. I love you, Kirti. I love you, Kirti. I love you, Kirti. हमें यहाँ पे एक लेटर पड़ा हुआ मिला है, उसमें ये सब कुछ लिखा हुआ है। ये क्या है कीर्ति? प्लीज आप आके ये लेटर कलेक्ट कर लीजिए। अरे तुम आ गई? मैं भी आ रहा हूँ। इतनी जल्दी आ गई मुझसे मिलने के लिए? नहीं, ला ये लेटर मुझे दो। ब्लैंक पेपर मतलब? बस ऐसे ही तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए। इसके लिए पूरी कॉलेज में अनाउंस करने की क्या जरूरत थी? लड़के का प्यार यूजर नेम है, सबको पता चले तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर लड़की का प्यार पासवर्ड होता है, सिर्फ यूजर को पता होना चाहिए। सब तुमसे आकर पूछेंगे, पासवर्ड मत बताना। बाय। ए कीर्ति रुको, मुझे उससे बात करने दो। कीर्ति लेटर में क्या था, किसने लिखा था लेटर? सर इसने प्यार प्यार बोल के मुझे टॉर्चर करके रखा हुआ है। इतना ही नहीं, इसने लेटर को भी पूरे कॉलेज में अनाउंस कर दिया। सर इसे इस कॉलेज से तुरंत निकाल देना चाहिए। प्यार करने वाले हर एक को कॉलेज से निकाल देंगे तो कॉलेज में अकेली बचेगी। जहाँ प्यार करने वाले ना हो ऐसे कॉलेज का क्या फायदा? अगर ऐसा होता तो इंडिया में कोएड कॉलेजेस क्यों होते? मेंस कॉलेज, वेमेंस कॉलेज अलग अलग होते ना? भाषण तो अच्छा देते हो, बताओ इस लड़की को लेटर क्यों लिखा? लेटर दिखाने बोलिए। ये क्या है, ये क्या मजाक है? वही तो सर, एग्जाम लिखने का टाइम नहीं है, लव लेटर कहाँ लिखूंगा? ये बताओ तुम इसे डिस्टर्ब क्यों करते हो? इससे सीधा सवाल पूछता हूँ कि मैंने इसे डिस्टर्ब किया है? क्या है क्या? मैंने किया? क्या मेरी वजह से तुम डिस्टर्ब हुई हो? जवाब दो। हुई हो? देखा आपने, मैटर क्लियर हो गया। थैंक यू सर, आपकी टाई सॉलिड है। हेलो, मेरी बुक है। मेरी बुक कहाँ है? कीर्ति वक्त बर्बाद मत करो, जाओ। सर मैंने कहा जाओ, क्लास में जाओ। असली मर्द वो है जो औरत के आंसू पोंछे, जो उसे रुलाए वो मर्द नहीं नामर्द है। तूने उसे छेड़ा, चल भूल जा, निकल जा यहाँ से। चलो रे छोकरे लोग, तू स्कूटी निकाल रहे? भगा दिया ना, रो मत। मुझे तो तुमने बचा लिया, लेकिन इन्होंने कीर्ति को ज्यादा परेशान किया। अरे तेरे पैर किधर है? ए झमिया, इधर चले। अरे रुक दो। अरे जानू कहाँ जा रही है? शर्मा रही है, शर्मा रही है। बाबू जाने दो ना। बैठ जा। प्लीज बाबू रहने दो। मैंने कहा बैठो। चलो रे अड्डे पे चलो छोकरे लोग। हे ये कहाँ जा रहे? अनजाने में तूने मेरी गर्लफ्रेंड को परेशान किया। अगर तू अभी उसे सॉरी बोलता है तो हम कॉम्प्रोमाइज करके पार्टी करेंगे, वरना ऐसी पिटाई करूंगा कि इतनी दवाइयां भी कम पड़ जाएंगी। अब जल्दी बता दे, तू आखिर चाहता क्या है? पार्टी या पिटाई? पार्टी या पिटाई? पार्टी या पिटाई? पार्टी या पिटाई? हे उधर, अपन तेरे एरिया में था इसलिए तेरा इज्जत रखने के लिए अपन तेरे को छोड़ दिया, लेकिन ये अपन का एरिया है। ये बच्चा लोग बोलता कम है, मारता ज्यादा है। जो अपनी जान बचाने के लिए भागता है वो हिरन होता है, लेकिन जो भगा कर शिकार करता है वो जानवर शेर होता है। ये बात तेरे भेजे में फिट हो जाएगी। पहले बता, पार्टी या पिटाई? पार्टी या पिटाई? पार्टी या पिटाई? जाने अच्छा हुआ बियर और दवाई दोनों साथ मिलाया है। बियर अपन के काम में आएगा और दवाई तेरे। चल चल हो जा रे।
ताड़ मत रहिए, मेरा स्टाइल है, किसी ने हाथ लगाया तो हॉस्पिटल पहुंचा दूंगा। जल्दी बताओ, पार्टियां पिटाई, पार्टियां पिटाई, पार्टियां पिटाई। मैं कॉम्प्रोमाइज करूंगा, मैं कॉम्प्रोमाइज करूंगा। ए येड़े, सॉरी सिस्टर। ओके, कॉम्प्रोमाइज करेगा या नहीं? ब्रो, मैं कॉम्प्रोमाइज करूंगा। हाथ पर लगाना, हाथ पर लगाना। अबे डरता क्या है? ये इतना मारेगा कि पानी भी नहीं मांगोगा। तुझे पाल पोस के बड़ा इसलिए नहीं गया था। तुम जाओ, गड्ढे में गिरो, मैं चला। सॉरी सिस्टर। मैं कॉम्प्रोमाइज करूंगा। कॉम्प्रोमाइज भाई, कॉम्प्रोमाइज। मैं दवाइयां लेकर आया हूँ ना, अपनी क्यों यूज कर रहा है? ये पीपी का दवाई है ताकि गुस्से में तुझे मार ना डालूं। ऐसा है तो दो ले ले। दो कहीं को? ताकि तू मर ना जाए। भाई इतना मार खाने से अच्छा कॉम्प्रोमाइज कर दूं ना। अबे करना तो मुझे भी है, लेकिन इसको गिनती किधर आती है? हम लोग टोटल 10 लड़के लोग हैं और ये बाटली लाया नौ। भाई आज हम बराबर बाटली में उतरे हो। तेरी बाटली की तो तेरा हो गया ना। सॉरी सिस्टर। तुमने जो मेरी हेल्प की उसके लिए थैंक्स, लेकिन ये मत सोचना कि मैं डिस्टर्ब हो गई हूँ या तुमसे प्यार करने लगी हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं होगा। बाय। सॉरी सर, मैंने नहीं सोचा था कि मेरा खून ऐसा निकलेगा। कौन तुम? कहां से निकला खून? मैं वही तो बताने आया हूँ, मुझे बस 2 मिनट दीजिए। आपका खून कितना पाक है, लेकिन मेरे खून में ये मिलावट क्यों? अरे तुम हो कौन और कैसी मिलावट? वही तो बताने आया हूँ, मुझे बस 2 मिनट दीजिए। मेरी चड्डी घिस गई उसे फुल पैंट पहनाने के चक्कर में। वो सब छोड़ो, तुम हो कौन और तुम्हारी चड्डी फुल पैंट से मुझे क्या लेना देना? वही तो बताने आया हूँ, मुझे बस 2 मिनट दीजिए। 8% इंटरेस्ट पे एजुकेशन लोन उठा के मैंने उसके एमबीए की फीस भरी। आपने भी लोन उठाया होगा आपकी। आहा, सुंदर सुशील संस्कारी, मान गया बेटा। अरे क्या मान गए, चाहते क्या हो? सॉरी सर, आई एम सॉरी। अरे पर यहाँ आए क्यों थे? लव यू राजा। अरे ए, ये अमावस वो चांद का टुकड़ा। कंटिन्यू बेटा। सुनिए, आप उनके घर गए थे ना, लड़की कैसी है? वो लड़की नहीं, देवी का रूप है। सुन ले, आगे से जब भी मेरा बेटा कॉलेज जाए उसे नहला धुला कर दंत मंजन करा के पाउडर लगा के स्त्री टाइट कपड़ों में भेजना। ये मेरा बेटा है, तेरा है कि नहीं पता नहीं। सुन ले, MBA में पास हो या ना हो, लव लाइफ में पास होना पड़ेगा, तब जाकर मेरे कलेजे में ठंडक होगी। खर्चा हो तो मैं और लोन ले लूंगा, लेकिन अगर वो नहीं पटी तो मैं तुझे पटा दूंगा। आपको लगता है इतनी सुंदर लड़की हमारे बेटे से प्यार करेगी? बिल्कुल, इतिहास गवाह है, खूबसूरत लड़कियां हमेशा गधों से ही प्यार करती हैं। यही रूल है, उस रूल के मुताबिक वो इस गधे से प्यार करेगी। बेटा, तेरा बाप तुझे आशीर्वाद देता है, पैर कौन पड़ेगा? एक बार उस लड़की से तेरी शादी हो जाए, फिर मैं तेरे पैर भी पड़ूंगा, प्रसाद भी चढ़ाऊंगा। कुछ भी कर, पर उस लड़की को इस घर की बहू बना कर ले आ, वो नहीं तो कोई और नहीं। बुटकी, क्या हुआ, इतनी रात में फोन क्यों किया? पापा भी घर पर है? मैं फिलहाल टेरेस पर बैठा हूँ, मस्त हवा है और चांदनी रात, सोचा मूड बेटर करने के लिए तुमसे थोड़ी बात कर लूँ। मुझे कोई बात नहीं करनी है, मुझे कॉल करना बंद करो और जाके चुपचाप सो जाओ। नीचे आकर सोऊंगा तो तुम्हारे पापा भड़केंगे नहीं। मैं तुम्हारे टेरेस पर हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। क्या कहा? तुम ऊपर आओगी या मैं नीचे आऊँ? रुको, मैं आ रही हूँ। क्यों आए हो यहाँ? पापा ने तुम्हें 2 महीने में पटाने का ऑर्डर दिया, इसीलिए आया हूँ। आई एम ऑन ड्यूटी। अपने पापा की छोड़ो, पहले मेरे पापा के बारे में सुनो। मेरे पापा ने मुझे हमेशा पूरी फ्रीडम दी है, जब पैसे मांगे तो ATM कार्ड दे दिया, फ्रेंड्स के साथ मूवी जाना था तो खुद टिकट ला के देते थे। माय डैड ऐसे खत्म हो गया है? बताओ प्यार कब करोगी, एक डेट बता दो। तुम्हारे साथ प्यार करने का मतलब है डैड की दी हुई फ्रीडम का गलत फायदा उठाना। लोगों को फ्रीडम मिलता है तो वो प्यार करते हैं, तुम्हें फ्रीडम मिल रही है तो प्यार नहीं करना, कैसी लड़की हो? तुम्हारी माँ क्या करती है?
दिन भर सीरियल्स देखकर उल्टी पुल्टी बातें करती रहती हैं। ओह, मतलब फैमिली में सबकी हटी हुई है। बैठो ना, तुम कोई उनसे कम नहीं हो। समझने की कोशिश करो, मेरी माँ ने पनीर टिक्का और नान बनाए हैं, मैं बस खाने ही वाला था कि तुम्हारी याद आ गई। तुमने खाना खाया? नहीं। 11 बज गए और उन्होंने तुम्हें खाना नहीं दिया? उन्हें बोलो मेरी बीवी का अच्छे से ख्याल रखे। मैं जाके बोलूं आंटी? नहीं, मैं बोल दूंगी। क्या बोलोगी? कि तुमने मेरा ख्याल रखने को कहा है। किसका ख्याल? मेरा। जो चाहता हूँ वो बोलती ही नहीं है। मेरे दोस्त टाइम पास करने बाहर बस स्टॉप तक बुलाते हैं तो भी मना कर देता हूँ। तुम्हारे लिए तो मैं खाना छोड़कर आ गया हूँ, ये कोई काम है क्या? एक दिन जब तुम्हें मुझसे प्यार होगा और मेरे दिल का हाल समझोगी तब तुम आई लव यू टू नहीं कहोगी, आई एम सॉरी कहोगी। मुझसे पूछोगी कैसे मैंने इन फीलिंग्स को संभाल कर रखा। ये प्यार व्यार का चक्कर छोड़ो, हमें फ्रेंड्स बनना चाहिए। फ्रेंड्स? मैं लव की बात कर रहा हूँ, तुम फ्रेंडशिप की पीपड़ी बजा रही हो। लव और फ्रेंडशिप में उतना ही फर्क है जितना एक कपल और सगे भाई बहन में होता है। हाँ, अगर तुम फ्रेंडशिप करने में इतनी इंटरेस्टेड हो तो जब शादी की गोल्डन जुबली होगी तब हम वैसे भी कुछ नहीं कर पाएंगे, तब हम फ्रेंड्स बन जाएंगे, तब तक सिर्फ प्यार होगा। तुम ऊपर क्या कर रही हो? मैं समझ गया हूँ, तुम्हें नहीं तुम्हारे पापा को डिस्टर्ब करना चाहिए। लेकिन क्यों? समझ जाओगी, इंतजार करो, ये बाबू कल तुम्हारे पापा की लाइफ में एंट्री मारने वाला है। बाय। रुको। असर हुआ? यहाँ से जाओ। ये यहाँ क्या कर रहा है? ये यहाँ कैसे टपक पड़े? हेलो सर। क्या हाल है? क्या चल रहा है? लव चल रहा है। क्या कहा लव? कुछ लोग सुधरते ही नहीं। कोई चांस ही नहीं है सर। आपका क्या चल रहा है? मेरा क्या चलेगा, बस वही लेक्चर्स। कुछ लोग सुधरते नहीं। तुम्हारी उम्र में मैं सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देता था और मुझे एग्जाम्स में 95% मिले थे। बिना व्हाट्सएप और फेसबुक के इतने परसेंटेज लाना बच्चों का खेल है सर। तुम्हें समझाना यानी आ बैल मुझे मार। बैल नहीं शेर, आपका फ्लोर आ गया। यहाँ लेक्चर देने आए हैं? मेरी बेटी यहाँ शॉपिंग कर रही है, उसे पिकअप करने। मेरी गर्लफ्रेंड भी यहाँ शॉपिंग कर रही है। तो तुम उसको शॉपिंग कराने यहाँ आए हो? नहीं, उसकी शॉपिंग हो जाएगी तो जरा सा टचिंग करने। बस बस निकलो यहाँ से। देख तो लूँ आपकी बेचारी बेटी दिखती कैसी है। आप चलिए सर। मैं भी रुकता हूँ, तुम्हारी अभागन गर्लफ्रेंड को देख लेता हूँ। अच्छा। दान तान। जाओ। मर गए। आपकी बेटी मुझे जाने को कह रही है, मैं जा रहा हूँ। पिटेगा बाबू। ओह माय गॉड, डैडीज डे आउट। पापा घूम के यहीं आना था। जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। हे, ऐसे लड़के को तुमने बॉयफ्रेंड बनाया पहले बताया क्यों नहीं? चेक शर्ट वाले के बारे में बताया तो था। चेक शर्ट बताया था पर उसका नाम नहीं। मुझे नहीं पता था कि आप उसे पहले से जानते हो। वो बहुत बिगड़ा हुआ लड़का है, मुझ जैसा स्ट्रिक्ट लेक्चरर भी उसे कॉपी करते हुए रोक नहीं पाया। वो सरदर्द के बाम तक को सरदर्द दे सकता है। मुझे अगर पता होता ना कि अब तुम्हारी लाइफ में वो। तुमने मुझे जाने को कहा तो मैं चला क्यों गया? पापा। हेलो पापा, तुमने मुझे जाने को कहा तो मैं चला क्यों गया? ये मेरी बेटी है। ये भी तो यही कह रही है ना। एक मिनट, तुमने मुझे जाने को कहा तो मैं चला क्यों गया? एक्चुअली तुमने मुझे कहा ही क्यों? ऐ सुनो, ये मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है, कोई मजाक नहीं है। सवाल तो मेरी जिंदगी का भी है ना, मुझे अपनी जिंदगी मजाक नहीं बनानी है। हाँ, तो 25 साल तक मैंने इसे संभाल के रखा,
अगले 6 महीनों में मैं इसकी शादी करने वाला हूँ। प्लीज मुझे टेंशन मत दो। जिस बेटी को आप 6 महीने में दूर करेंगे उसके बारे में इतना टेंशन हो रहा है। मुझे इसके साथ 60 साल बिताने हैं तो मुझे कितना टेंशन होगा। मतलब तुम कुछ भी कहोगे और मैं खामोश रहूंगा, हाथ पे हाथ धरे तुम्हारी बकवास सुनता रहूंगा। आप कॉलेज में मेरे लेक्चरर नहीं थे ससुर जी, सुपरवाइजर थे। और सुपरवाइजर वो होता है जो बस काम पर नजर रखे, टांग ना अड़ाए। यहाँ भी वही कीजिए, हम दोनों जो कर रहे हैं उस पर बस नजर रखिए। तुम होते कौन हो मुझे ऑर्डर देने वाले? तुम हो कौन? मैं कौन हूँ? ये लीजिए मेरा वोटर कार्ड, इसमें मेरे बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, आराम से बैठकर पढ़िए। हाँ, तो हम कहाँ थे? मेरी बेटी के सामने मुझे नीचा दिखा के बहुत बड़ा हीरो बनना चाहते हो हैं? देखो, मैंने अगर ये बात तुम्हारे बाप को बताई ना तो वो तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ के तुम्हें हमेशा के लिए घर में बंद कर देगा। अच्छा, कार्ड पर मेरा एड्रेस लिखा हुआ है, घर जाके आराम से मिलिए उन्हें। बाइक की चाबी। आपका बेटा। हेलो, तुम वही हो ना जो मेरे घर आए थे? मुझे पता था तुम मेरे घर की घंटी जरूर बजाओगे। मैं कुछ समझा नहीं। वो मेरा नालायक बेटा है ना, वो सब कुछ समझा देगा। तुम्हारा बेटा मेरी बेटी को परेशान करता है। मैंने ही उसे ऐसा करने के लिए कहा था, विद ऑल माय ब्लेसिंग्स। कैसे बाप हो, ये क्या कह रहे हो? समधी जी, आपकी बेटी बहुत सुंदर, सुशील और संस्कारी है। तुम्हारा बेटा जाहिल और एकदम गंवार है। कोई दामाद को ऐसा कहता है? उसका स्क्रू अगर ढीला है तो उसका मतलब मेरा भी स्क्रू ढीला है। तुम्हारा स्क्रू भी तुम्हारे बेटे की तरह ढीला है। क्या बात कर रहे हो, मेरी वजह से उसका स्क्रू ढीला होगा, उसकी वजह से मेरा स्क्रू कैसे ढीला होगा? जब बाप ही ऐसा होगा तो बेटा तो ऐसा होगा ही ना। बीज ही खराब होगा तो फल तो सड़ा हुआ निकलेगा ही। छी छी। भाई साहब, सुना है कि आपकी बेटी बहुत सुंदर है। मेरे बेटे का भी यही कहना है और इनका भी यही कहना है, मुझे भी मिलना। आप उससे मुझे मिलवा दीजिए। ये किस तरह का अजीब परिवार है, सब के सब पागल हैं। मेरी बेटी को उस लड़के से बचाना होगा, इसका एक ही रास्ता है। सॉरी पापा, मैं नहीं जानती थी कि वो इस तरह तमाशा खड़ा करेगा। उसके लिए तुम क्यों मुझसे माफी मांग रही हो बेटा? मुझे अपनी बेटी पर पूरा पूरा भरोसा है। आओ, गुड नाइट। बस बेटा, एक बात याद रखना, मेरी आंखों में आंसू सिर्फ तुम्हें घर से विदा करते हुए आने चाहिए, इसलिए नहीं कि तुम गलत लड़के से शादी कर रही हो। बुटकी, बुटकी, चिल्लाना मत। तुमने कभी क्लोरोफॉर्म सूंघा है? एक मिनट रुको। लगता है सारा खर्चा लाइटिंग पर ही कर दिया। अच्छी खासी हाइट है, फिर भी बुटकी कहकर चिढ़ाता हूं। कमाल है। अच्छा है मेरे बदन पर लकी बर्थ मार्क है, वरना मेरी दाल नहीं गलती। पहली बार तुम्हें इस तरह सोते हुए देख रहा हूं, शायद कोई प्यारा सा सपना देख रही हो। तुमसे बहुत कुछ कहना चाहता हूं। रात रात भर नींद नहीं आती, आंखें खुली रहती हैं, एक अजीब सी फीलिंग है, मानो जान निकल रही हो। तुम्हें जोर से गले लगाने का मन करता है पर लगा नहीं पाता। लगता है जैसे सीने पर 100 किलो का वजन लेकर घूम रहा हूं। पहले जब भी कोई रोमांटिक गाना सुनता था तो मुझे वो बहुत बकवास लगता था, पर आजकल जब भी सुनता हूं तो लगता है जैसे हर एक गाना बस मेरे लिए लिखा गया है।
मैं जानता हूं कि फिलहाल मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं उसका कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन भावनाओं को समझो यार। शादी कर लेते हैं ना, न्यूली मैरिड का बोर्ड और फूलों से सजी कार लेकर पूरा शहर घूमना है। शादी में स्टेज पर तुम्हारे साथ फोटोग्राफर को एक बहुत ही फिल्मी पोज देना है। जब खाने में नमक कम डालोगी तो तुम्हें झूठ मूठ डांटना है। मटर्निटी वार्ड के बाहर नर्वसली सिस्टर से आते जाते पूछना है कि मुझे लड़का हुआ या लड़की, लड़का हुआ या लड़की। ये सुनकर ऐसा मत सोचना मैं तुम्हारी इज्जत नहीं करता, मेरे मम्मी पापा में ऐसा ही प्यार है जो कभी हमें भी होगा। अब तक मैंने कभी अपनी बीवी को हाथ नहीं लगाया, तेरी इतनी हिम्मत कि तू उसे टच करे? कितना चिपकेगा, अबे उसे काट रहा है, उसकी चुम्मी ले रहा है, तेरी तो चला गया। इतने अच्छे फ्लो में था, सब डिस्टर्ब कर दिया। देर हो रही है, बस एक और इंपॉर्टेंट बात करनी है, एक मिनट रुको, आई विल बी बैक। नमस्ते, कैसे हैं, सब ठीक है? हाँ हाँ, जलेबी के साथ रबड़ी भी तैयार है। अरे आप डुबो डुबो के खाना। सुनो, दूल्हे का कमरा किस तरफ है? ऊपर टॉयलेट के बाजू में। टॉयलेट के? दूल्हे तुम हो? इस शादी से खुश हो? क्या तुमने कभी क्लोरोफॉर्म सूंघा है? सूंघो, मजा आएगा। ये कौन है? कार में बैठो, जल्दी बैठो। मैं नहीं बैठूंगी। अरे बैठो। लड़की वाले तो बारात में बंदूक लेकर आ गए। वो लोग गोलियां क्यों चला रहे थे? और ये आदमी कौन है? और मुझे अपने साथ क्यों ले आए? अगर पापा को पता चल गया कि मैं घर पर नहीं हूं तो। मैंने तमाशा खड़ा करके शादी के सीन को वॉर का सीन बना दिया। तुम घर जाके पापा से कहना हमने एक शादी का बैंड बजाकर दूल्हे को किडनैप कर लिया। तुम क्या पागल हो गए हो? तुमने एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। शादी ना होने की वजह से डिप्रेशन में आके उसने सुसाइड कर लिया तो इस गलती के लिए तुम जिंदगी भर पछताओगी। मैं तुमसे बात कर रही हूँ और तुम होगी बद्दू। कीर्ति, सॉरी कीर्ति। क्या बात है बद्दू, तुम इतनी घबरा गई? मैं बहुत डर गई थी कीर्ति। एक तो सेटिंग करा, ऊपर से चाटा खाओ। मेरी मदद करने के लिए थैंक्स। थैंक्स किस लिए? बद्दू, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं, तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। हां प्रसाद, इन्हें लेके जा। थैंक्स। चल 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 चल, गाड़ी में बैठ, गाड़ी में बैठ, गाड़ी में चल। प्रसाद, उसने मुझे क्यों थैंक्स कहा? वो तुम्हारी फ्रेंड है। उसने तुमसे कई बार कहा था कि उसकी लव लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। उसके बॉयफ्रेंड की आज किसी और से शादी हो रही थी, तुमने तो उसकी बात सुनी नहीं। वो बेचारी आज सुसाइड करने की सोच रही थी, और अगर आज इस वजह से उसने सुसाइड कर लिया होता तो तुम बहुत पछताती और जिंदगी भर खुद को जिम्मेदार मानती। मैंने ये सब अपने लिए नहीं किया है। आज अगर पुराना बाबू होता ना तो तुम्हारी दोस्त एक लड़के के लिए आत्महत्या करिए सुन के कान के नीचे बजा के देता। पर अब मैं खुद को उसकी जगह पर रखकर देखता हूँ, सोचता हूँ तुम्हारी शादी किसी और से। तो किसी का बाप या दुनिया की कोई ताकत हमें जुदा नहीं कर पाती। पद्दू कीर्ति कीर्ति कर रही थी इसीलिए तुम्हें ले आया। सच बताता तो तुम मेरे साथ कभी नहीं आती। समझ में नहीं आता लड़कियों के दिमाग में चलता क्या है। वैसे भी मेरी लाइफ में दो ही लेडीज हैं, एक मेरी माँ और तुम।
घर नहीं जाना क्या? रोज मुझे क्लास में डिस्टर्ब करता था, आज आया ही नहीं। रोज कॉरिडोर में भी मिलता था, आज वहां भी नहीं आया। आज वो डिस्टर्ब करने नहीं आया, अच्छा है ना? तुम परेशान क्यों हो रही हो? अरे मैं तुम्हें गुड न्यूज देने के लिए यहाँ बैठा हूँ और तुम उसी के बारे में सोच रही हो। हेलो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ कीर्ति। फोन पे हूँ पापा। ए, आज सुबह से हम दोनों मिले ही नहीं। तुम्हारी दोस्त की शादी की तैयारी कर रहा था। अगर ये बात थी तो पहले क्यों नहीं बताई मुझे? मैं कब से तुम्हें गुड न्यूज देना चाहता हूँ। तुम किससे बात कर रही हो? फ्रेंड है पापा। हेलो, मुझे ये बताओ, मैंने पापा से झूठ क्यों बोला? तुम्हारा नाम क्यों नहीं बताया? जब प्यार हो जाता है ना तो इंसान झूठ बोलता है। मैं आखिर प्यार में किसी से झूठ क्यों बोलूं? मैं झूठ नहीं बोलूंगी। हुँ? समझ गए? किसका पद्दू का है पापा। डिस्टर्ब हो गई हो ना? बिल्कुल नहीं। यहाँ तक कि पहली बार जब तुम्हें चांटा मारा था तब तुमने कहा था तुम डिस्टर्ब हुए, पर मैं नहीं हुई। तुमने मेरे लिए कॉलेज ज्वाइन किया, मैं तब भी डिस्टर्ब नहीं हुई। पत्तू को जब एक लड़की ने छेड़ा तुमने तब उसकी हेल्प की, पर जब पता चला उसने मुझे छेड़ा था तुमने उसे सबक सिखाया, मैं तब भी डिस्टर्ब नहीं हुई। मेरे पापा तुम्हारी वजह से बहुत डिस्टर्ब्ड हैं, पर मैं डिस्टर्ब नहीं हुई। तुमने मेरी फ्रेंड की शादी कराने में मदद की, पर मैं डिस्टर्ब नहीं हुई। आज तुम सारा दिन नजर नहीं आए, मैं डिस्टर्ब नहीं हुई। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि मैं बार बार ये कहते हुए क्यों डिस्टर्ब हो रही हूँ कि मैं अभी तक डिस्टर्ब नहीं हुई। आई लव यू कह के मुझे भी डिस्टर्ब कर दो ना। आई एम सॉरी, मुझे आज समझ में आया कि पिछले 2 महीनों से तुम्हारे ऊपर आखिर क्या गुजर रही थी। तुम मेरे पास आ रही हो या मैं तुम्हारे पास आऊं? नहीं नहीं, मैं आ जाऊंगी। जब मुझे देखो तो गले लगाने से मत रोकना। मुझे देखते ही गले लगा लेना, मैं तुम्हें बाहों में उठा लूंगा और फिर कोई डुएट गाएंगे। हे, मैं आऊंगी पर अभी नहीं। पापा घर पर हैं, कल सुबह 9 बजे। मैं कल तक इंतजार नहीं कर सकता, मैं तो अभी आ रहा हूँ। इतनी हड़बड़ी मचाना अच्छा नहीं होता बाबू। इतने दिन मेरी हाँ सुनने का इंतजार किया है तुमने, बस एक रात और कर लो। हर पल ये महसूस करोगे कि तुम पल पल मेरे पास आकर मेरा हिस्सा बनते जा रहे हो, ठीक है ना? हेलो, क्या हीरो, पहचान कौन, पार्टी या पिटाई? 10 भाड़े के नए पहलवान रखे हैं मैंने, हर एक को महीने का 50,000 पगार है। टोटल 5 लाख का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन क्या है ना, अपन का ईगो के सामने 5 लाख चिल्लर माफी है। वही 10 पहलवान तेरी झमिया को उठा के मेरे पास लाए हैं। हे, तुझे तो मैं उधर खोटा मत चिल्ला, तू इधर को आ जा, तेरा पूरा चिल्लाट अपन तबीयत से निकालेगा। बहुत शौक है ना तेरे को पार्टी मनाने का, इस बार पार्टी के साथ साथ मुजरा भी होगा।
कीर्ति सिर्फ मेरी है। अगर किसी ने उसकी तरफ आंख उठा के देखा तो मैं उसे जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। अगर किसी ने इसके पास आने की, इसे छूने की या इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं उसे मौत के घाट उतार दूंगा। भाई तुमने तो अपन लोगों को चार ही प्रॉब्लम बताई थी, ये पांचवी कहां से पैदा हो गई? रात भर जागकर उस पल का इंतजार किया जब कीर्ति मुझसे आई लव यू कहेगी। सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई और बंदा मेरे सामने कहेगा कि वो उससे प्यार करता है। उस बंदे ने मुझे सातवें आसमान से जमीन पर पटक दिया। सिद्धार्थ वर्मा, सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। 4 साल पहले जब वो कीर्ति से मिला था तब वो सिर्फ सिद्धार्थ वर्मा था। मैडम, तुम ही हो ना जिसने मेरे लिए सुसाइड करने की कोशिश की। मैं जानती तक नहीं कि तुम कौन हो, तुम्हें कभी देखा तक नहीं। तुमने सोचा कि तुम ऐसा लेटर लिखोगे और सुसाइड कर लोगे तो मैं तुमसे प्यार करने लगूंगी, और ये लिखा क्या है तुमने? तेरा सैया लेटर लिखा है या हिंदी पिक्चरों के नाम लिखे हैं? कीर्ति, उस लव लेटर पे पेन उसकी नहीं है, मेरी है। तो तुम कौन हो? मैं तो बस इसका लेटर देने आया था। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कीर्ति, मैंने तुम्हें प्रपोज करने के लिए अपना लव लेटर इस कबूतर के हाथ भिजवाया था। आई लव यू कीर्ति। लव करते हो मुझसे? देखा ना मुझे लव करने का नतीजा क्या होता है। तुम भी सुसाइड करके ऊपर वाले को प्यारे हो जाओगे। अगर तुम ऐसे ही आंखों में आंखें डाल के रोज मुझसे बात करोगे तो मैं ऐसे ही मर जाऊंगा। तुम मरो, कल मरते हो तो आज मर जाओ, पर मेरी जान छोड़ो। कीर्ति, प्लीज मुझे परेशान मत करो, मेरा पीछा करना छोड़ दो। तुमने मेरी लाइफ में बिना परमिशन एंट्री मारी है, अब मैं तुम्हारे घर में एंट्री मार के बात करूंगा। घर में जवान सुंदर लड़की हो तो तुम जैसे लड़के इस तरह की बातें करने आएंगे? ऐसा नहीं है सर। अच्छा ये बताओ, मेरी लड़की को देने के लिए तुम्हारे पास है क्या? शादी के लिए मुझे क्या करना होगा? पढ़ाई, नौकरी, औहदा। मुझे यकीन दिला सकते हो कि तुम्हारे साथ मेरी बेटी खुश रहेगी? यही बात मैं कीर्ति से सुनना चाहता हूँ। मुझे कुछ नहीं कहना है, जो पापा का फैसला है वही मेरा फैसला है। क्यों, सुन लिया ना? क्या हुआ, दाल नहीं गली तो यहां से चुपचाप जा रहे हो? आज 22 अगस्त है, ये डेट और अपनी कही बात याद रखिएगा। अब मैं जिंदगी में कुछ बनकर ही आपके पास लौटूंगा, चलता हूं। मुझे पता करना था कि मेरी कहानी में यह नया ट्विस्ट कौन है। सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मैं पुलिस स्टेशन गया। बाइक पार्क करते हैं। कीर्ति, तुमने मुझे गले लगाकर बाइक पर राउंड मारने का वादा किया था ना, आ जाओ। आओ, शर्माने की क्या बात है, प्यार किया तो डरना क्या, आ जाओ। कीर्ति तुमसे प्यार करती है? कीर्ति, क्या तुम इस लड़के से प्यार करती हो? ये इस बात का जवाब नहीं देगी, आपकी इज्जत करती है। पर ये कौन है और इसने क्यों कहा कि ये कीर्ति से शादी करने वाला है? सही कहा, कीर्ति से शादी करके मेरा दामाद बनने वाला है ये। इस महीने की 26 तारीख को मैं इनकी शादी कराऊंगा। इसकी और कीर्ति की शादी होने वाली है? जोक अच्छा है, बाद में याद दिलाना, हंस लूंगा। ये जोक नहीं है। हाँ और क्या। ए, हो सकता है लड़कियों को हाजिर जवाबी पसंद हो, लेकिन मेरे पुलिस स्टेशन में ये सब नहीं चलेगा। अब तक तूने क्या किया उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। कीर्ति मेरी होने वाली बीवी है, उससे दूर रहना। ए प्रसाद, 100 का नोट देना। ये 100 का नोट रखो और कीर्ति को भूल जा। रखो रखो, जेब में रख दो। इस मजाक का क्या मतलब है? तू पुलिस वाला है ना, तो रिश्वत लिए बिना काम नहीं करेगा। ए प्रसाद, एक नोट और देना। ए, तेरी इतनी हिम्मत। सिद्धू रुक जाओ, मुझे इससे बात करने दो। कीर्ति, एक सवाल पूछता हूं, मुझे उसका सीधा जवाब चाहिए। तुमने कहा था कि तुम मेरी पसंद के लड़के से शादी करोगी, तो तुम अपनी बात पे कायम हो या नहीं? मैं
मैं सिर्फ आपके पसंद के लड़के से ही शादी करूंगी पापा। समझदार है मेरी बेटी। पापा इस 26 को मेरी शादी कराना चाहते हैं बाबू, उससे पहले तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा कि वो तुम्हें पसंद करें, तब उन्हें तुम्हें ही अपना दामाद चुनना होगा। मैं शादी के मंडप में दुल्हन की तरह बैठी होंगी, पर तुम मुझे मंगलसूत्र पहनाओगे और मेरे पापा मेरा कन्यादान करेंगे। अच्छा तो ये पंगा है। आज मुझे पता चला कि मेरी बेटी कितनी भोली है। अगले 25 दिनों में तुम मुझे कन्विंस करोगे कि मैं कीर्ति की शादी तुमसे कराऊं? हाँ? इम्पॉसिबल। सिद्धू ने कीर्ति से 4 साल दूर रहकर अपनी पढ़ाई पूरी की क्योंकि मैंने ऐसा कहा था। उसने नौकरी हासिल की ताकि वो कीर्ति को खुश रख सके। तुम्हारे पास क्या है? सिर्फ तुम्हारा एटीट्यूड और सड़क छाप अकड़? तुम मुझे कभी कन्विंस नहीं कर पाओगे। आपने कभी सोचा था कि मैं इंजीनियरिंग पास कर पाऊंगा? आप ही ने बुक देकर पास कराया ना। कभी सोचा था कि कीर्ति मुझसे प्यार करने लगेगी? पर कुछ सुना ना, जब ये सब हो सकता है तो ये भी मुमकिन है कि कीर्ति की बात सच हो और आप मुझे दामाद चुन लें। मेरे पास अब भी 25 दिन है। ओनली वन मोमेंट। आपको लगता है आपको कन्विंस करने के लिए मुझे एक पल नहीं मिलेगा? खैर, आप बस 42 साइज शर्ट और 32 वेस्ट की पैंट का इंतजाम करके शादी की तैयारी कीजिए। जल्द मिलेंगे। सिद्धू, कीर्ति कंफ्यूज्ड है। वो उसकी नादानी को प्यार समझ रही है। तुमने मुझे अपनी लगन से कन्विंस किया है, तो आने वाले 25 दिनों में तुम कीर्ति को अपने प्यार से कन्विंस नहीं कर सकते? उसे अपने प्यार का एहसास दिलाओ। कल कीर्ति का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे कीर्ति। मैं पिछले 4 सालों से तुम्हारे बिना तुम्हारा बर्थडे मना रहा हूँ। बस बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें कितना मिस करता हूँ और तुमसे शादी करने को कितना बेताब, इसलिए सोचा कि ये वीडियो बना दूँ। And finally, मैं खुद तुम्हें विश करना चाहता हूं। हैप्पी बर्थडे कीर्ति। विल यू मैरी मी? 4 साल में मैंने तुमसे जितना प्यार किया है तुम उसे 4 दिन में नहीं समझ पाओगे, पर मुझे जल्दी नहीं है। मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। अबे तू कीर्ति के कॉल्स क्यों नहीं उठा रहा? आज उसका बर्थडे है। हाँ? ये हैप्पी बर्थडे टू यू वाली फॉर्मेलिटीज मेरे दिमाग में नहीं घुसती, दिमाग हटता है। तू कीर्ति के फादर को इंप्रेस कर रहा था ना, उसका क्या हुआ? अभी 23 दिन बचे। क्या सोचा तूने? तो तूने क्या सोचा? क्या सोचा है? कुछ नहीं। प्यार के लिए मैं खुद को बदल नहीं सकता, बस एक खास पल चाहिए। अरे भाई फोन उठा ले, इनकमिंग तो फ्री है। हेलो पुष्पा हेयर कटिंग। रुको रुको, मुझे भी वैक्स कराना है, मैं भी आ रहा हूँ। रुको रे, मैं भी आ रहा हूँ, मुझे भी आईब्रोज करवाने हैं। रुको, कहाँ खिसक गए। अब ये मत पूछना कि तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया, कुछ और कहो। पहले सिगरेट नीचे फेंको। बिल्कुल नहीं, मेरी लाइफ में तुमसे पहले सिगरेट ने एंट्री मारी। तुम्हारे बाद कोई दूसरी लड़की आई तो तुम्हें छोड़ दूंगा क्या? लाइफ में जब एक बार कोई चीज पसंद आती है तो उसे छोड़ता नहीं। बातें बनाने में तो एक्सपर्ट हो तुम जानते नहीं हो कि आज मेरा बर्थडे है? हमारे प्यार के बाद ये मेरा पहला बर्थडे है। मुझे लगा कि कोई सरप्राइज गिफ्ट दोगे, चॉकलेट दोगे, कम से कम एक रोज तो दे ही सकते हो मुझे। मुझे ये सब करना पसंद नहीं।
बर्थडे विश तक नहीं किया तुमने। मैंने कहा ना, ये सब मुझे पसंद नहीं है। सिद्धू कल रात मुझे बाहर लेकर गया था और उसने मुझे सरप्राइज भी दिया। डायमंड रिंग देकर उसने मुझे प्रपोज किया। तुम अगर अपने पैरों पर खड़े हो जाओ तो हमें अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। सारे ऑप्शंस होंगे हमारे पास। ऑप्शंस? तो तुम्हें वैसी लाइफ चाहिए? हटो। लेकिन कहाँ? तुम चलो ना। कहाँ ले जा रहे हो? ये कहाँ गए? हाँ? ए सचिन, 5 मिनट के लिए तेरा शोरूम मेरा। 5 मिनट हा? पुराना दोस्त है। पर मुझे यहाँ क्यों ले आए हो? इसे एक शोरूम नहीं, हमारा घर समझो। अगर मैं अच्छा खासा कमाने लगूंगा तो हमारा ऐसा ही एक घर होगा। आओ, अपने घर की लाइफ को एंजॉय करते हैं। बैठो ना। टीवी ऑन करो। ओ, ये देखना। ओके, ऑप्शंस ऑप्शंस ऑप्शंस। हेलो, मैं यहाँ बैठी हूँ, तुम वहां जाकर क्यों बैठ गए? मुझे मैच देखना है। जब हम अमीर होंगे तो ऑप्शंस की कोई कमी नहीं होगी, हम जो चाहे देख सकते हैं। टीवी देख लिया, अब सोते हैं, चलो। बैठो। सोने से पहले क्या करती हो? बुक पढ़ती हूँ और सो जाती हूँ। ये लो बुक, पढ़ो और सो जाओ। अब तुम कहाँ जा रहे हो? तुम पढ़ रही हो ना? मुझे सोते वक्त बिल्कुल रोशनी पसंद नहीं है, इसलिए मैं यहाँ सोऊंगा। रिच लाइफ का यही तो फायदा है, हम अलग अलग बेडरूम्स में सो सकते हैं, ऑप्शंस ही ऑप्शंस होंगे, कॉम्प्रोमाइज क्यों करना। गुड नाइट। चलो। अब कहाँ चलना है? तुम कहना क्या चाहते हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलो तो। ए बाबू, ये तुम मुझे कहाँ लेकर? चलो नीचे उतरो, ये हमारा घर है। आओ। माँ, क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही हो? ये तुम्हारी बहू है। हाय, टूट। आओ बेटा, आओ यहाँ बैठो। बैठो। सुनिए जी, आपने बिल्कुल सही कहा था, ये तो सच में चांद का टुकड़ा है। घर में सब कैसे हैं बेटा? हाँ जी, सब ठीक है। बेटा, कौन बनेगा मेरा पति प्रोग्राम देखती हो ना? नहीं, मैं मूवीज देखती हूँ, टीवी शोज देखना अच्छा नहीं। ऐसा क्या? तो हम भी वही देखेंगे। नहीं ठीक है, जो चल रहा है चलने दीजिए। अरे ऐसे कैसे, हम तुम्हारी पसंद देखेंगे। परिवार के साथ बैठकर टीवी देखने का अलग ही मजा है। रुको। बेटा, तुम लोगों ने बाहर तो कुछ नहीं खाया? सुबह से भूखे घूम रहे हैं। ओहो, 3 बज गए हैं, तुमने अब तक कुछ नहीं खाया? जरा रुको, मैं खाना लगाती हूँ। अरे बस बस। बेटा, फिश करी बनाई है, पसंद है ना? पसंद तो है, पर मुझे कांटा निकालना नहीं आता। दोनों एक जैसे हैं, इसे भी कांटा निकालना नहीं आता। शादी के बाद दोनों एक दूसरे के कांटे निकालते रहना। कोई बात नहीं, मैं निकाल देती हूँ। नहीं नहीं आंटी, मैं निकाल लूंगी। कोई बात नहीं बेटा, मुंह खोलो। थैंक्स आंटी। बेटा, थैंक यू। अंकल, आंटी, ये शब्द मेरे कान पर नहीं पड़ने चाहिए। ठीक है पापा जी। बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू। लेकिन क्यों? तुम्हें मनाने के लिए इसे 2 महीने दिए थे, 15 दिन में काम कर दिया। वाह बेटा। ए, कांटे ठीक से निकालना। हाँ ठीक है। बहू आ गए तो बेटा भूल गई? तू तो मेरा राजा बेटा है। ले। खाना बहुत टेस्टी है माँ। तो और खा, ले। सुन पासा, सीधी नजर उतार रही है या उल्टी? हाँ मुझे पता है, इस पर थूको। ये हमारा कमरा है। ए, दरवाजा बंद मत करो। क्यों, क्या हुआ? हमारी शादी नहीं हुई, सब गलत सोचेंगे। ऐसा क्या? जरा जोर से बोलो। घर का टोटल एरिया 700 स्क्वायर फीट होगा। ऐसा क्यों? बड़ा घर लेने की औकात नहीं है ना। वो नहीं कह रही, जोर से क्यों बोलूं? क्योंकि हमारी शादी नहीं हुई है।
तो दरवाजा खुला छोड़कर जोर से बात करनी चाहिए, वरना बाहर वाले सोचेंगे कि अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है। हाँ, एक बाथरूम पीछे की तरफ भी है। वैसे कमरा बहुत अच्छा है। बस स्टॉप यहाँ से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर है। तुम्हारे घर में तुम्हारा हाथ पकड़ के बैठना बहुत अच्छा लगता है। खुश होना। पहले जो शोरूम तुमने देखा वो मेरी लाइफ नहीं है, ये मेरी लाइफ है। सब पैसों के पीछे भागते हैं, पर पैसों के पीछे पागल हो जाओ तो माँ बाप से बात करने के लिए भी टाइम टेबल की जरूरत पड़ती है। ये है असली लाइफ। अब भी चाहती हो कि डायमंड रिंग देकर तुम्हें प्रपोज करूं? अगर हाँ तो वैसा ही करूंगा, फिलहाल मेरे पास सिर्फ यही रिंग है। भाई। भाई। कीर्ति से मैं बात कर लूंगा सिद्धू, तुम शादी की तैयारियां तो शुरू कर दो। ठीक है अंकल, मैं कीर्ति से मिलकर जाऊंगा। कीर्ति, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे, शादी की बात हो रही थी। मुहूर्त 26 तारीख का निकला है, तुम्हारी तरफ से तुम जिनको भी बुलाना चाहती हो उनकी एक लिस्ट बना के मुझे दे दो। ज्यादा टाइम नहीं है बेटा, अभी हम शादी के कार्ड सेलेक्ट करने जा रहे हैं, तैयार हो जाओ। सिद्धू, अगर हम कीर्ति को शादी की तैयारियों में ऐसे ही उलझाए रखेंगे तो उसे बाबू के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिलेगा। लेटेस्ट डिजाइन है सर, बहुत सुंदर। प्राइस? ये एक कार्ड आपको पड़ेगा 500 रुपीज में। बाबू की पॉकेट मनी इस कार्ड के प्राइस से भी कम होगी, और मेरी बेटी से शादी के सपने। अच्छा है ना बेटा? बुटकी ने यहां क्यों बुलाया? हमें तुम्हारी मम्मी का फुल सपोर्ट है। जो चीज मेरे पापा को पसंद नहीं आती वो मम्मी को ऑटोमेटिकली पसंद आती है। बात ये है, मम्मी को मेरी तरफ से लव यू कह देना। मम्मी के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले मुझे सिद्धू के बारे में कुछ बताना है। देखो, ये वो मैसेजेस और वीडियोस हैं जो सिद्धू ने मुझे भेजे हैं हनीमून के लिए। हाय कीर्ति, इफ आई एम नॉट बगिंग यू, बताऊं हनीमून के लिए सबसे बेस्ट जगह कौन सी है? आई थिंक वेनिस इज द बेस्ट प्लेस, इसीलिए दो टिकट्स बुक किए मैंने। 7-स्टार विला में रहेंगे। सिद्धू जोरों से शादी की तैयारियां कर रहा है, ये तक फैसला कर चुका है कि हम हनीमून पर कहां जाएंगे, और तुम हो कि अभी तक पापा को कन्विंस करने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हो। अभी भी एक हफ्ते का वक्त है, मुझे वो खास पल मिल जाएगा। सिद्धू के परिवार वाले कल मेरे घर पर शादी का कार्ड एक्सचेंज करने आ रहे हैं, तुम हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहना और इंतजार करते रहना। शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, शादी के कार्ड दीजिए जजमान। कर दिया सत्यानाश। सर्दी है। हाँ ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, अल्लाह बल्ली करो जल्दी। सब लोग आ गए ना? हाँ, सब लोग यहीं तो हैं। समधी जी,
तुम लोगों ने क्या तमाशा लगा रखा है? शादी 26 को होगी, तय हो गया ना? एक फैमिली को कार्ड एक्सचेंज करने का मौका मिला तो दूसरों को भी मिलना चाहिए। व्हाट इज दिस डैडी? सत्यनारायण समधी जी, मुहूर्त निकला जा रहा है, पत्रिका की लेन देन कर लें। कार्ड एक्सचेंज की कर लेते हैं। कीर्ति की शादी का कार्ड है, खाना खाने जरूर आना। पापा, मेरे बेटे की भी शादी है, आपको गिफ्ट लेके आना है। अगर तुम नहीं आए तो भी मुझे चलेगा। एक्चुअली मत ही आना। अब क्या खाना खा के जाओगी? चलो ना, होने वाली बहू से बात तो करने दो। तो कुछ बोलेगा? ये लोग आपस में बात करने वाले हैं, हम भी बैठकर सुनते हैं ना। बात में दम है। चलो आसन ग्रहण करो। जगह बनाओ। लेफ्ट हैंड राइट में, सेंटर में। क्या कर रहे हो? ये सब क्या है? बैठिए ना, शुरू करें। चलो जाओ। हाँ तो बेटी, अब तुम क्या पढ़ रही हो? दिन में एमबीए की किताबें पढ़ती है और रात को मेरे भेजे एसएमएसएस पढ़ती है। क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? हाँ बताओ, शादी के बाद खाऊ गली में तुम्हारे नाम का ठेला डालेंगे। हो गया तेरा? तेरे जमाने के सवाल पूछेगी तो लोग हंसेंगे। मैं मेरे जमाने के सवाल पूछता हूँ, देखना भी गाने में गला कैसा है। हाँ, इनका खुद का ऑर्केस्ट्रा है, कोरस सिंगर की जरूरत है। जजमान, एक छोटा सा संदेह। हाँ पंडित जी। आप दोनों में से कोई एक कृति से शादी करेगा ये तो समझ में आया, तो दूसरा क्या शादी में शहनाई बजाएगा? ये तुमसे पूछ रहे हैं, जवाब दो। बेटा, मैं जवाब दूं? बता दो कीर्ति, और मेरी शादी के बाद तू क्या करने वाला है? सब काम मुझसे करवाते हैं हे भगवान। ये आकाशवाणी का हैदराबाद केंद्र है, इस गाने की फरमाइश की है सिद्धार्थ वर्मा ने। जा, गाड़ी पार्क कर गया। वैले पार्किंग सिर्फ 4 पहियों के लिए होती है, 2 पहियों के लिए नहीं सर। 2 पहिये मेरे ले ले, अब हो गई ना 4-व्हीलर। अंदर चले पापा। 2+2 का हिसाब आ गया इसको। डन टन डन। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम जा रहे थे तब मेरे बेटे को जोर से सुसू आई, तो मैंने कहा शोरूम पास में ही है, साड़ी के शोरूम में कोई शौचालय ढूंढने आता है क्या? बेटा पापा। शादी की शॉपिंग सर? बेटी की शादी की। जमाई कहाँ है? ये रहा, इस एरिया का सब इंस्पेक्टर है। क्या बात है, सब इंस्पेक्टर आपका जमाई है? कंटिन्यू। नहीं नहीं मम्मी, ये साड़ी कैसी लग रही है? अरे मुझसे क्यों पूछ रही है, अपने होने वाले पति से पूछ। यही तो मैं पूछ लीजिए। बेटा तुम्हें ये साड़ी कैसी लगी? ओके है मम्मी जी। ओके है? आपका जमाई कौन है? ये है। और वो कौन है? मैं उस लड़के को नहीं जानती। बहुत कंफ्यूजन है सर, आपका जमाई कौन है? बताया तो, ये मेरा जमाई है। और ये वाला? मैं इस लड़के को नहीं जानता। आप दोनों का रिलेशन? पति-पत्नी? नहीं, और ये प्रोडक्ट? हमारी बेटी। और जमाई? ये रहा। सासू माँ, पाव कहाँ आपके? एक पैक फ्री का ऑफर सुना तो था, आज देख भी लिया। वेलकम टू कला मंदिर। अरे नहीं, कोई अच्छा सा जमाई दिखा, मतलब साड़ी दिखाओ। कंग्रेचुलेशन सर। किस लिए? शादी का सीजन चल रहा है, इसलिए हम रोज एक लकी जोड़े को चुनते हैं और कला मंदिर की तरफ से उसे एक हनीमून पैकेज देते हैं, और आज ये प्राइज आपकी बेटी को मिला। ये तो दुल्हन की टिकट हुई, दूल्हे की कहाँ है? वो तो दूल्हा पहले ही ले गया। सिद्धू, कल शादी के कार्ड के एक्सचेंज के समय उसने तमाशा खड़ा किया था, मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि वहाँ सिर्फ हम लोग थे, पर आज सारी की दुकान में सबके सामने शर्मिंदा किया। अच्छा हुआ ज्यादा लोग नहीं थे, पर अगर संगीत में उसने कोई नाटक किया तो रिश्तेदारों के सामने नाक कट जाएगी। उसे इस बार रोकना ही होगा। सिद्धू, रूल्स का पालन करना है करो, रूल्स को तोड़ना है तोड़ो, बस वो वहाँ आने ना पाए। आज तक मैंने खुद को कंट्रोल किया है क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरा खराब इंप्रेशन पड़े। अब मैं दिखाता हूँ कि एक पुलिस वाला क्या कर सकता है। आप संगीत की तैयारी कीजिए। आप शादी के लिए लोन ले रही हैं, जरूरी है क्या? बिना पैसों की शादी करेगा? चल हमारा छोड़, लेकिन कीर्ति के लिए तो कपड़े लेने होंगे ना? हाँ नरेंद्र। नहीं नहीं, मर्डर सस्पेक्ट को जेल में रहने देना, बाकी सबको रिहा कर दो। मेरे बारे में खिचड़ी पका रहा है? नहीं यार, मैं नहीं चाहता कि तू धूप में काला हो जाए, इसीलिए सोचा तुझे लॉकअप में डाल दो। तुझे लगता है बिना कोई जुर्म किए तू मुझे बेवजह अंदर डालेगा और मैं चुपचाप देखूंगा? क्या कर लेगा बे? लड़ो मत बेटा प्लीज, मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, शांत हो जाओ। आप मेरी माँ की तरह हैं, यानी मेरे बाप की रखेल हैं। छोड़ दे बेटा, ऐसा मत कर, क्या करे? बिना जुर्म के जेल नहीं जाएगा, कर लिया ना जुर्म, ड्यूटी पर खड़े ऑफिसर का कॉलर पकड़ने का। और कोई जुर्म करेगा
अब तो थक गया, चल। माँ अब घर जाओ, मैं आ जाऊंगा। नरेंद्र कंप्लेन लिखो। नमस्ते सर। बाबू नाम के लड़के को इंस्पेक्टर का कॉलर पकड़ने के जुर्म में अरेस्ट किया। जैसा सोचा था वैसा ही हो रहा है। तुझे कीर्ति चाहिए ना? कसम से आज के बाद तुझे उसका चेहरा भी नहीं देखने दूंगा। कल रात 8 बजे हमारी शादी का संगीत है। मैं वहां हीरो की तरह नाचूंगा और तू यहां सलाखों के पीछे अपनी किस्मत को रोएगा। कैसा लगा मेरा प्लान? प्लान ये है तो मेरे घर के बाहर बैठे बाप्पा मेरे कान में नया प्लान क्यों बता रहे हैं? हाँ, हाँ। वो कह रहे हैं कि संगीत संध्या में सेलिब्रेशन करूंगा मैं और डिप्रेशन में यहाँ पड़े रहोगे तुम। अबे ए, यहाँ से निकल के तो दिखा। कल 6 बजे संगीत संध्या में मैं हीरो की तरह एंट्री मारूंगा और तू स्टेशन में जीरो की तरह पड़ा रहेगा। बापा और कोई मैसेज है? बापा ने तो तेरा प्लान पहले से ही सेट करके रखा हुआ है। ए, बाबू ने ग्रुप में मैसेज भेजा है, तूने देखा क्या? वो पुलिस स्टेशन में। ए, ये किसे मैसेज कर रहा है? इसका फोन ले लो। ए, ए, फोन दे, फोन दे, फोन दे। संगीत संध्या में तमाशा खड़ा ना करूं इसीलिए मुझे अंदर डालने की प्लानिंग करने वाले ससुर से जाके कह दे इस बाबू को अंदर कर सके ऐसी सलाखें आज तक किसी ने बनाई नहीं है। क्या हुआ? आप पुलिस स्टेशन गए थे ना, बाबू नहीं आया? टेंशन क्यों ले रही हो, तुम अपने बेटे को नहीं जानती क्या? वैसे पुलिस स्टेशन जाते वक्त उसने तुमसे कुछ कहा था क्या? उसने कहा था वो आ जाएगा। उसने कहा है तो फंक्शन शुरू होने से पहले वो आ जाएगा। टेंशन मत लो, तुम भी लुंगी पहन लो, जाओ। अरे यहाँ लाइन क्यों लगी हुई है? सुबह से मैं आपके साथ हूँ सर। सलाम साहब, सब लोग आपका ही वेट कर रहे हैं। ए, पब्लिक के लिए पानी ला रहे। सीधा खड़ा रहो। नरेंद्र सर, इस स्टेशन में भीड़ किस बात की है? बाबू ने आपसे बदला लेने का प्लान बनाया है। इसके कॉलोनी के लोग किसी न किसी चीज की रिपोर्ट लिखाने आए हैं। अब तक 250 केस जमा हो गए। 250 नहीं 500। हाँ, 250 इसके, 250 मेरे। कैसे केसेस? इसका तकिया खो गया है, उसका नाड़ा खो गया है और उस भाई साहब का अंडरवियर खो गया है। तकिये की कौन रिपोर्ट लिखाता है? दरअसल जो तकिया चोरी हुआ है वो इसे दहेज में मिला था और अब ससुराल वालों का बहुत प्रेशर है इस पर। और ये नाड़े का क्या मामला है? दरअसल वो नाड़ा नड़ियाद का था, किसी ने खींच लिया उसके पजामे से। और ये अंडरवेयर का क्या मामला है? वही अंडरवेयर पहनकर उसके दादाजी ने झंडे गाड़े थे। चोरी का केस तो बनता है सर। बेटा सिद्धू शौक लग गया ना, अगला केस तो सुनो, शौक के साथ क्रेजी हो जाओगे। श्यामलता, लाइन में इतनी पीछे क्यों खड़ी हो, आगे आ जाओ। हटा हटा हटा, कभी 80 साल की जवान लड़की देखी नहीं? आपकी क्या समस्या है दादी माँ? ईव टीजिंग केस है, हमारे एरिया के सारे बुड्ढे मुझे देखकर डांस करते हैं। छेड़खानी तो इनके जैसी खूबसूरत लड़कियों के साथ होती है, एक्सपायरी डेट के साथ नहीं। मैं उससे 2 साल बड़ी हूँ, आज भी उन बुड्ढों के लिए 56 छुरी हूँ। थक गई हूँ मैं उन ठरकियों से। दादी माँ, मैं समझ गया आप पर क्या क्या बीती है। मैं लिखता हूँ। पैर कब्र में है लेकिन ढेर शानी है। हाँ सामू, रात को मिलते हैं। टाटा। पंजागोटा एरिया से एक लड़के को निजी स्वार्थ के चलते सब इंस्पेक्टर सिद्धार्थ ने अरेस्ट कर लिया। पुलिस स्टेशन में अफरा तफरी का माहौल है। सुबह से हजारों लोग केस फाइल कर चुके हैं। अरे बड़े साहब। सर, मैंने सुना है कि बाबू नाम के लड़के को अरेस्ट किया है, केस क्या है? एसआई को फोन दो। अभी देता हूँ सर। कमिश्नर सर, सर असल में हुआ ये था कि नौकरी इसलिए नहीं दी है कि पर्सनल रीजन की वजह से लोगों को अरेस्ट करो। 10 मिनट के अंदर सारी भीड़ हट जानी चाहिए। सर आप जानते नहीं है, मीडिया हम पर उंगलियां उठा रही है। सर मेरी मानिए तो कॉम्प्रोमाइज। मैं कॉम्प्रोमाइज हर केस नहीं करूंगा। देखते हैं अब ये क्या करता है। इतने से पेट नहीं भरा क्या? लड़की एक, दीवाने दो, दिमाग हमारा खराब हो रहा है। ए, बैठने को बोला क्या? बैठ जाओ ना जी। मेरे पुलिस स्टेशन में मुझसे होशियारी? अच्छा बता तेरा क्या प्रॉब्लम है? चार मीनार गायब होना। क्या कहा? पहले ये बता तेरे बाप ने खरीदा कब? अगर चार मीनार गायब हो गया ना तो उसका केस दिल्ली में लिखेंगे। कुछ और बता। लिखो। बोलो। बिरयानी में से मसाला गायब है। मसाला? कोई ऐसा केस बता जो हमारी समझ में आ सके और हम उसे ढूंढ के ला सके। मेरे भाई को सोने के बाद नींद नहीं आती, उसकी नींद ढूंढ के लाओ जी। अरे इसको कोई लाश शर्म है कि नहीं, जान खा गया है। वैसे आपका पर्स कहाँ है? टोपी के नीचे। कहाँ है?
मेरा पर्स कहाँ है? उसकी रिपोर्ट लिख दो ना। कैसा लगा लॉजिक? क्या लॉजिक हो ना, क्या लॉजिक हो रहा है यार। ए चुप रहो रे, ए जा तू जा रे, तेरा हो गया। आपका क्या खो गया है? फोन खो गया सर। सूटकेस खो गया है। सूटकेस खो गया है। ये तो फोन बोल रही है। फोन सूटकेस में था ना। अरे वाह, फोन इसका है कि तेरा। नेक्स्ट। चिंटू बेटा, अरे तुझे भी प्रॉब्लम है? हेलो भैया। बताओ क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? मेरी पेंसिल गायब हो गई। अरे रे, ऊपर वाला कितना कठोर है। पेन पेंसिल का केस नहीं लिखा जाता, घर जाओ बेटा। योर ऑनर, एक छोटा सा बच्चा दिल में बड़ी उम्मीद लेकर खोई हुई पेंसिल की रिपोर्ट लिखाने आया है। अगर आपने उसका केस नहीं लिया तो सोचिए उसके दिल पे क्या बीतेगी। हाँ? उसका कानून से भरोसा उठ जाएगा सिद्धू साहब। मियां, कल उठ के वो चोर, मवाली या फिर टेररिस्ट बन जाएगा और इसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। ये कौन सी फिल्म का सुपरहिट डायलॉग है बाबा? मुझे क्या पता, लगता है स्पेशल केस है। तुम्हारी पेंसिल कैसे गायब हो गई? शार्पनर में पेंसिल डाली, आधे घंटे तक घुमाता रहा, गायब हो गई। क्या लॉजिक है, क्या लॉजिक है बेटा। नेक्स्ट। बाय चिंटू। बाय भैया। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही। आखिर पुलिस कर क्या रही है? सर, ये टीवी पर क्या तमाशा चल रहा है? मुझे मीडिया के कॉल्स आ रहे हैं। उस लड़के को अभी छोड़ दो, otherwise I'm going to take strict actions against you. सर, आप मेरी बात तो सुनिए। ए, तुझे छोडूंगा नहीं। सर, मार डालूंगा। सर, रुक जाइए सर, सर, सर रुकिए, रुकिए सर। सर, आपने कहा था कि इसके मुंह लगना अपना लेवल कम करना है, इसलिए इसे इग्नोर कीजिए। मेरी बात मानिए, इसके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए। इससे आप शाम को अपनी संगीत संध्या का मजा ले पाएंगे और फिर हमें ड्यूटी भी तो करनी है, वरना फिर वही लड़ाई, वही टेंशन। ठीक है, इससे कहो ये लोगों को जाने को बोले, उसके बाद इसे छोड़ूंगा मैं। सर, सुन लिया ना बाबू? ए प्रसाद, हाँ, ये मुझे छोड़ने की बात कर रहे हैं, सबको बोले कटिंग मार के आए। सेट है, चलो चलो, चाय बिस्किट बाहर है, चलो। तुझे लग रहा होगा कि तू जीत गया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ऑफिसर, लीड। सर, क्या आपने बाबू को अपने पर्सनल मैटर के लिए अरेस्ट किया था? बिल्कुल नहीं, एक छोटा सा मैटर था जो अब सॉल्व हो चुका है। साइड 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 हटो। सर, आपको अरेस्ट क्यों किया था? एसआई ने बताया कि एक छोटा सा मैटर है, क्या ये सच है? अंदर क्या क्या हुआ वो मैं डिटेल में नहीं बता सकता, बस एक छोटी सी कहानी सुनाकर एक्सप्लेन करूंगा। कहानी का नाम है गजेंद्र मोक्ष। एक नदी हुआ करती थी, उस नदी में एक छोटा सा मगरमच्छ रहता था। एक दिन एक बड़ा सा हाथी उस नदी में नहाने आया और गलती से उसने पैर वहां रहने वाले मगरमच्छ को लगा दिया। जैसे ही मगरमच्छ को पैर टच हुआ, मगरमच्छ ने उसका पैर मुंह में जकड़ लिया। फिर क्या, हाथी दर्द के मारे चीखने चिल्लाने लगा। इस कदर हालत पतली हुई कि साक्षात विष्णु भगवान को मैटर में मांडवली करने आना पड़ा। विष्णु जी के कहने पर मगरमच्छ ने हाथी को जाने दिया। वहां से जाते हुए हाथी ने सोचा, यार मैं इतना बड़ा हूँ, मगरमच्छ इतना छोटा, हाउ इज दिस पॉसिबल? जानते हो मगरमच्छ ने एटीट्यूड मारते हुए क्या जवाब दिया? हो सकता है जंगल में तू बहुत बड़ा तुर्रम खां है, पर पानी में मैं हूँ। ये भी लोकल है। मिस्टर सिद्धार्थ, जब तक इन केसेस की इन्वेस्टिगेशंस होकर सारी फाइल्स बंद नहीं हो जाती, तुम इस पुलिस स्टेशन के बाहर कदम नहीं रखोगे। बात समझ में आई? दिस इज एन ऑर्डर। तुम इससे प्यार करती हो? तुम्हें वाकई लगता है कि ये प्यार है? किसी अजनबी के लिए अपने पापा से दूर हो जाना, यही तुम्हारा प्यार है? अपने बाप की इज्जत सरेआम रिश्तेदारों के सामने उछालना, यही प्यार है? सर, बात यह नहीं है, मैं अपनी बेटी से बात कर रहा हूँ, तुम्हारा इससे कोई संबंध नहीं है। इसने उस दिन क्या कहा था? जब आप इतना टेंशन में हैं क्योंकि आपकी बेटी अगले 6 महीने में आपसे दूर होने वाली है, तो सोचिए मैं कितना टेंशन में होऊंगा जिसके साथ मैं 60 साल बिताने वाला हूं। यानी तुम्हारे साथ रहना इसे टेंशन लगता है? मुझे एक बात बताओ, तुम्हें पाने के लिए इसने खास ऐसा क्या किया? एक बात बताओ, मैं यहीं अभी के अभी तुम्हारी शादी इससे करा देता हूं। बोलो, तुमने अपनी फ्रेंड को मेरे बारे में क्या कहा था? मेरे पापा उस डायरी की तरह हैं जो मैं हर रात लिखती हूं,
आखिरी बार तुमने मेरे बारे में अपनी डायरी में कब लिखा था? आज जरूर लिखना कि पिछले एक महीने से तुम्हारे पापा किस दर्द और घुटन में जी रहे हैं, तब तुम्हें एहसास होगा। तो तुम्हारे हिसाब से एक बाप के लिए यह ख्वाब देखना कि उसकी बेटी आगे जाकर एक अच्छी जिंदगी जिएगी गलत है, तुम्हें एक ऐसे घर में भेजना जहां तुम्हें सारे सुख मिले ये गलत है। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें इस लड़के के घर भेजूं जो ना तो कमाता है और ना ही जिसमें जिंदगी जीने का सलीका है? क्या यह सही है? सर आप मेरी बात तो सुन। मैंने कहा ना, यह मामला सिर्फ मेरा और मेरी बेटी का है, तुम बीच में मत बोलो, चले जाओ। कीर्ति, इसे यहां से जाने को कहो, प्लीज। सर लेकिन प्लीज। बात करनी है। तुम्हारे पापा चाहते हैं कि तुम्हारी और मेरी शादी कल ही होनी चाहिए, और मैं जानता हूं कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। तुम्हारे पापा की इच्छा पूरी हुई तो तुम मेरी पत्नी बन जाओगी, और अगर तुम्हारी इच्छा पूरी हुई तो मेरे पास सिर्फ वो यूनिफॉर्म बचेगी जो मैंने तुम्हारे लिए हासिल की। कल से जब मैं वो यूनिफॉर्म पहनूंगा तो मुझे तुम याद आओगी, भले ही मैं तुम्हें खो चुका हूं। अगर मेरा प्यार सच्चा है तो मुझे तुम्हारा प्यार तुम्हें सौंप देना चाहिए, और आज मैं तुम्हें वही देने आया हूं। मैंने तुम्हारे पापा से वादा किया था कि एक दिन तुम मुझे प्यार करोगी, और आज मैं हार गया कीर्ति, मगर मेरी हार में तुम्हारी हार नहीं होगी। बाबू की जीत होगी और तुम्हारी उससे शादी, और उसकी जीत को पक्का करने के लिए मेरे पास उसके लिए एक नौकरी है। ₹40,000 महीना सैलरी है। बाबू से कहो कि चिट्ठी वो तुम्हारे पापा को दिखाए और तुमसे शादी कर ले। थैंक यू सिद्धू, थैंक यू सो मच। आप चलो। बहुत ही बढ़िया जॉब ढूंढी है, पापा को फोन करके बोल दो कि तुम्हें जॉब मिल गई है और जल्दी से मेरा हाथ मांग लो। देख क्या रहे हो, कॉल करो ना प्लीज, जल्दी करो। हेलो, आपकी बेटी ने मेरे लिए जॉब ढूंढी है ताकि आप मेरी उससे शादी करवाएं। उसने कहा ये मैं आपको बता दूं, अब शादी कर लूं उससे। कीर्ति शायद आपकी चाल नहीं समझ पाई, मैं नहीं बदलने वाला। कीर्ति से शादी करते वक्त मैं वही बाबू रहना चाहता हूँ जो उसे पहली नजर में देखते ही उससे प्यार कर बैठा था। फिलहाल आपकी बेटी थोड़ी कंफ्यूज लग रही है, घर आए तो उसे अच्छी तरह बिठा के समझा दीजिए। तुम्हें इतना एटीट्यूड क्यों भरा है? मैं जब यहाँ आई तो कितनी खुश थी कि अगर तुम्हें ये नौकरी मिल गई तो कल हम खुशी खुशी शादी कर पाएंगे, जिंदगी को आराम से जी पाएंगे। सोचा इस जॉब से तुम्हें जिंदगी में क्लैरिटी मिल जाएगी। तुमने कहा था मेरे पापा को कन्विंस करोगे, क्या एक बार भी कोशिश की तुमने? तुम ऐसा नहीं करोगे, जिद पर अड़े रहोगे और हमेशा मुझे ही तुम्हें समझाना होगा। सिद्धू को देखो, मेरी खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार है, और तुम होगी मेरी ही गलती थी जो मैं तुम्हें समझाने यहां पर चली आई। शादी कर लेते हैं ना प्लीज, फूलों से सजी कार में तुम्हारे साथ पूरा शहर घूमना चाहती हूँ। ऐसा है सर, ये बहुत इमोशनल हो रही है, इन्हें सही सलामत घर ड्रॉप कर दीजिए।
ये 100 का नोट रख और कीर्ति मुझे दे दे। डर लग रहा था कि कहीं मैं कीर्ति को खो ना दूं। 25 दिनों तक एक खास पल का इंतजार कर रहा था। दिन घंटों में बदल रहे थे और घंटे मिनट में, पर वो खास पल नहीं आया। आप लोग कौन हैं? क्या चाहिए आपको? वो लौंडिया के बगल में जो बैठेगा कहाँ है उस ससुर का नाती? वो हमको चाहिए, तुम्हारा दामाद। बुलाओ उसे। हेलो सिद्धू। हेलो बाबू। कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा? कहां मर गया वो? ये कौन है? ये होने वाला जमाई ही है, पर कीर्ति का होने वाला पति। हमारे दामाद को किडनैप किया? एक कदम भी आगे बढ़ाया तो लड़की का भेजा बाहर होगा। बेटा, उस दिन जो हमारी आंखों के सामने हमारे जमाई को बीच शादी से एक लौंडिया के लिए उठा के ले गया था, वो तू ही है ना? हम तुम दोनों को उसी दिन ठोंक देते जब तू इसकी दोस्त के लिए हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद करके हमारे दामाद को उठा ले गया। पर अगर हम तुम्हें मार देते तो हमारा बदला अधूरा रह जाता, समझा क्या? जैसे दुल्हन की तरह ये सजी है, वैसे ही उस दिन हमारी बेटी शादी के मंडप में बिल्कुल तैयार बैठी थी। इसीलिए हम इसकी जिंदगी नर्क से बदतर बना देंगे। हर पल हमने इस वक्त का इंतजार किया है ताकि इसकी शादी के दिन ही इसके पति को मार के इसकी जिंदगी बसने से पहले ही इसे उजाड़ दूं। पर लड़की की मां कहती है ये उसका होने वाला जमाई है और तू उसका पति। अब बता उससे शादी कौन करने वाला है? बता, बोल। कहते हैं मरने से पहले इंसान की पूरी जिंदगी उसे नजर आ जाती है।
आप चुप क्यों हैं? बोलिए, दुनिया भर में ढिंडोरा पीटते हैं कि वो आपका जमाई है, तो बोलिए ना, बताइए इन्हें। अरे वो जमाई नहीं है, तुम तो उछल उछल के सबसे कहते थे तुम जमाई बनने वाले हो। सर, हॉल के बाहर बोर्ड लगा, आपने देखा नहीं, कीर्ति वेड सिद्धार्थ वर्मा, यही है सिद्धार्थ वर्मा। आपस का मैटर सलटा लेंगे, पहले इसे गोली मारो। देख क्या रहे हैं सर, मार दो। ए, ज्यादा होशियारी मत झाड़, मेरे साथ गेम मत खेल। तू भी ना गलत टाइम पे शर्माता है। सर, यही जमाई है, टाइम वेस्ट मत करो, उड़ा दो। इसे गोली मारिए, कंफ्यूज मत होइए, गोली वेस्ट नहीं होगी, इसकी गारंटी मेरी। अरे एक्शन लीजिए सर, उड़ा दीजिए, उड़ा दीजिए। तुम फैसला करने वाले होते कौन हो कि ये मेरा जमाई है? ये फैसला मैं करूंगा, मेरी बेटी कीर्ति से ये शादी करेगा। कीर्ति इससे प्यार करती है, ये मेरा जमाई बनेगा। कीर्ति, तुमने सुना ना, तुमने कहा था मुहूर्त से पहले तुम्हारे पापा को मुझे जमाई चुनना होगा, चुन लिया। सुना ना? सुना कि नहीं? सिद्धू के पापा नोट कीजिए, ये पलटी मारेंगे। सर, कीर्ति से शादी करने वाला, इनका जमाई बनने वाला और आपके जमाई को उस दिन उठाने वाला मैं हूं। आपके सवालों का जवाब मिल गया ना, बस अब एक छोटा सा पंगा रह गया सर। बाबा, ये लौंडा यहाँ से भागने की फिराक में है। अबे डरपोक, अपनी तरह समझा है क्या? सर, सिचुएशन आपके कंट्रोल में है, ट्रिगर पर उंगली आपकी, आपकी गन मुझ पर तनी हुई है, भाग सकता हूँ क्या? अपनी बेटी के लिए आप किसी का खून करने वाले हैं तो आप उससे कितना प्यार करते होंगे? मेरी एक आखिरी इच्छा है सर, मुझे अपनी बात कहने के लिए बस 2 मिनट चाहिए। मेरा नाम बाबू है और ये सिद्धार्थ है, मैं भी कीर्ति को चाहता हूँ, ये भी कीर्ति को चाहता है, यहाँ तक हमारी स्टोरी एकदम सेम है। इसने कीर्ति की खातिर नौकरी की, मैंने कुछ नहीं किया, ये कीर्ति के लिए सब कुछ कर सकता है, मैं कुछ नहीं करूंगा। और ये तो इतना ग्रेट है कि जब कीर्ति के पापा ने इसे नौकरी हासिल करने को कहा तो ये पूरे 4 साल कीर्ति से दूर रहा और वापस आया तो पुलिस इंस्पेक्टर बन के, कितना ग्रेट है सर, एकदम ग्रेट है। वो तो है ही। वही तो मैं भी कह रहा हूँ सर, ग्रेट है, एकदम ग्रेट। सिद्धू, तू ग्रेट है। लेकिन सर, अगर ये 4 साल कीर्ति से दूर रह सकता है तो 40 साल भी आराम से रह लेगा। मैं तो उससे एक दिन भी दूर नहीं रह पाया, अगले ही दिन जाके कॉलेज ज्वाइन कर लिया, मैं पागल हूं क्या? अरे डफर है तू बाबू। खैर ये सब छोड़िए सर, इसने कीर्ति के बर्थडे पे बड़ा सरप्राइज दिया, मैंने कुछ नहीं किया, इसने उसे डायमंड रिंग पहनाई, मैंने कोई गिफ्ट नहीं दिया, ना ग्रीटिंग कार्ड ना एक फूल, मैंने तो विश भी नहीं किया सर। तू ग्रेट है यार, तू ना एकदम ग्रेट। लेकिन सर, कोई लड़का लड़की के लिए गिफ्ट खरीदे और लड़की उसे देखकर वाव आई लव यू कहे, तो वो लड़के से प्यार करती है या उस गिफ्ट से? जिंदगी में कुछ खास दिन होते हैं, मैं अपनी बेटी को ऐसे आदमी को क्यों सौंपूं जिसे वो याद ही नहीं। मैं वैसा इंसान नहीं हूं जो मदर्स डे पर अपनी माँ से प्यार करे और बाकी दिन उसकी तरफ देखे भी नहीं। कीर्ति बस एक बार मेरी बन जाए तो हर दिन उसका बर्थडे होगा, वो 365 दिन मेरे लिए स्पेशल होगी। सिद्धू 4 साल पहले शादी करना चाहता था, तभी इन्होंने शादी नहीं करवाई। अब नौकरी है तो सब ठीक है, लेकिन कीर्ति की सिद्धू से शादी हो रही है या उसकी पुलिस की नौकरी से? नौकरी से नहीं, सिद्धू से, जिसके पास अच्छी नौकरी है। आप भी ग्रेट है सर, आपकी बेटी की आपको इतनी फिक्र है, आप ग्रेट है। जो हर महीने पैसे कमा सके, मेरी बेटी उस आदमी के साथ खुश रहेगी। अपनी बेटी को खुश देखना चाहते हैं या पैसों में तोलकर उसका सौदा करना चाहते हैं? अगर जिंदगी में प्यार हो तो किसी बस में भी खुशी मिल सकती है सर, प्यार ना हो तो किसी महंगी से महंगी गाड़ी में भी खुशी नहीं मिलेगी। इंसान को जिंदा रहने के लिए प्यार चाहिए सर, लग्जरी नहीं। आपको लगता है आपकी बेटी तभी खुश रहेगी जब बेशुमार दौलत हो, लेकिन अगर ऐसा है तो 25 सालों से मेरे माँ बाप कैसे खुश हैं? आपके पास तो पैसा है तो आप में और आपकी बीवी में इतनी दूरी क्यों है? शादी के 25 साल बाद भी दिल बहलाने के लिए इन्हें टीवी लगाना पड़ता है। आप जानते हैं इनके रिश्ते में ऐसा क्या खास है जो आपके पास नहीं है सर? प्यार है। पंद्रह साल पहले काम पर एक एक्सीडेंट में मेरे पापा के पैरों में रॉड डाली गई थी सर, उनकी नौकरी चली गई। माँ ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, फिर भी अपने परिवार को पालने के लिए उन्होंने नौकरी की।
पर इससे पापा का मम्मी के लिए प्यार चुटकी भर भी कम नहीं हुआ। इसकी वजह जानते हैं सर? अगर प्यार पैसे और दौलत पर टिका होगा तो उसके जाते ही खत्म हो जाएगा, पर प्यार रिश्ते में भरा हो तो परमानेंट है सर। दुनिया में सैकड़ों लड़के हैं सर, पर कीर्ति से एक ही लड़का शादी करेगा। वो लड़का ऐसा नहीं होना चाहिए जिसे उसके पापा ने चुना हो, या जिसके पास नौकरी हो, या जो उसे हनीमून पर वेनिस ले जाए। वो होना चाहिए जो कीर्ति के दिल में हो। कीर्ति के दिल में मैं हूं सर। जानता हूं यहां खड़े किसी को मेरी बात समझ में नहीं आ रही। ग्रेट है सर, सब ग्रेट। आपने सुन लिया सर, अब आप ही फैसला कीजिए, कीर्ति को इससे शादी करनी चाहिए या फिर मुझसे। पैसे कमाए जा सकते हैं लेकिन प्यार नहीं। तुम उस लड़की के दिल में बसे हो, तुम ही शादी के हकदार हो। मेरी बेटी का फैसला तुम दोनों कैसे कर सकते? बस एक और बात बताइए सर, आपके जमाई को उससे शादी करनी चाहिए थी जो उससे प्यार करती है, या फिर आपकी बेटी से जो उसके दिल में बिल्कुल नहीं है? वाह, इन्हें भी अपने बातों के जाल में उलझा लिया। जब बात अपनी जान पे बन आई तो कह दिया सिद्धू मेरा जमाई है। तो फिर नाटक क्यों करते हो कि कीर्ति की खातिर तुम अपनी जान तक दे सकते हो? अगर इनके पूछने पर तुम मर्द की तरह कहते कि हां मैं ही कीर्ति का पति हूं, तो मैं तभी तो फिर नाटक क्यों करते हो कि कीर्ति की खातिर तुम अपनी जान तक दे सकते हो? अगर इनके पूछने पर तुम मर्द की तरह कहते कि हां मैं ही कीर्ति का पति हूं, तो मैं तभी अगर आप पूछते कि मैं कीर्ति से कितना प्यार करता हूं, तो प्यार साबित करने के हजारों तरीके थे, आपने पूछा ही नहीं। आपने जान देकर प्यार साबित करने को कहा तो मैंने गोली चला दी। कीर्ति से शादी करने की आपने यही एक शर्त बताई तो मैंने ट्रिगर दबा दिया। मैं उसे अपनी जान से ज्यादा चाहता हूं। हॉस्पिटल लेके जाओ, पूरा पागल है ये। बाबू, कीर्ति, I love. नहीं बाबा नहीं, बहुत दम है बाबू में। सिद्धू बेटा, हाँ। एक बढ़िया रिश्ता है, यहाँ पर भी लड़की का बाप तुम्हें बहुत पसंद करता है। नहीं करनी, पहले पता लगाओ लड़की को कौन पसंद है। उसका भी कोई बाबू निकला ना तो इस बार उसको नहीं मुझे गोली लगेगी। तुम्हें यकीन था कि पापा हमारी शादी के लिए मान जाएंगे? उनके पास ऑप्शन ही नहीं था, उनकी मेंटल बेटी को संभालने के लिए कोई चाहिए ना। मुझे मेंटल कहते हो तो तुम क्या हो? उस दिन गोली क्यों चलाई खुद पर? कुछ हो जाता तो? तुम पागल हो, मुच्छड़ चलाता तो मर जाता। मैंने दिमाग चलाया और हार्ट के एक इंच ऊपर गोली चलाई। क्या हुआ? लाइट को भी अभी जाना था, अब क्या करें? ये किसका फोन आ रहा है? फोन करने को ये टाइम मिला क्या? अरे पार्टी किधर है? अरे कोई छोटी मोटी चीज थोड़ी है, तू अपने एरिया का हीरो नंबर वन है। कल सुबह बात करेंगे ना, कल शाम को पीके जितना टल्ली होना हो जाना, अभी फोन रख। हमारी शादी की पार्टी? हाँ। नहीं नहीं, मेरे एरिया के लोगों ने मुझे मिलकर एरिया का कॉर्पोरेटर बना दिया है। क्या सच? मुझ ये लोकल का चक्कर चला के सिर्फ दो लोगों को फायदा हुआ है, एक ट्रंप और दूसरा मैं। रात भर बातें करते रहोगे क्या? सुहाग रात को सुहाग दिन में बदलना है? नो प्रॉब्लम। क्या इरादा है बताओ।
मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ। क्या? मार डालूंगी। इस कमरे से बाहर नहीं जाने दूंगी तुम्हें, समझे? इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ तुम्हें? क्योंकि मैं लोकल जो बन गई हूँ। बचाओ।